नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं धर्मदास जी के दर्शन के लिए आया हूँ। वो अभी तक पूजा से नहीं उठे, विराजिए। वहां है धर्मदास जी। आइए आइए जगन्नाथ जी, क्या हाल है आपका, आपके परिवार का, आपके शहर का? सब आपका आशीर्वाद। नारायण नारायण। मालिक, जगन्नाथ जी अपने शहर में एक हाई स्कूल बनवा रहे हैं। जी हाँ, हमारा शहर तो हमारी तरह छोटा ही है, लेकिन हम स्कूल बड़ा बनाना चाहते हैं। ओ, तो स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करना है। चंदे का काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चंदा हम इकट्ठा कर चुके हैं 3 लाख। तो फिर यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? जी, मैं प्रार्थना लेके आया हूँ कि आप हमारे स्कूल का चेयरमैन बनना स्वीकार कर दो। आपकी प्रार्थना मेरे लिए आज्ञा है, लोक सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है धर्मदास जी की, इनकी जिंदगी तो बस एक मिसाल है। मिसाल, मैं कहता हूँ मिसाल है लोक सेवा की। ठेकेदार साहब, सेवाराम, मैं क्या करूँ, लोक सेवा ही अपनी जिंदगी है। मालिक, सब लुट गए, बर्बाद हो गए। उस कमबख्त ने तो हमारा सारा भाना फोड़ दिया। अरे किसने? सूरज प्रकाश ने। वो अनाथ आश्रम का हिसाब देखकर कहता है कि हमने 1 लाख रुपया मार दिया है। वो तो मामला पुलिस तक ले जाना चाहता है। पुलिस? अब क्या होगा धर्मदास जी, हमारे लिए तो ऊपर भगवान है, नीचे आप। सूरज प्रकाश तू हमें पुलिस में ले जाना चाहता है? 1 लाख करोड़, इतना बड़ा ढेर। नाम तो धर्मदास, कर्म शैतान। बहुत उछल रहे हो सूरज प्रकाश। चुप रहो धर्मदास, तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी इतना गिर सकता है मुझे मालूम नहीं। ये बेचारे अनाथ तो खुद गली गली घूमते हैं, पैसा पैसा मांगते हैं। तुमने इनकी जेब में भी हाथ डाल दिया। अब मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम्हारे हाथ हथेले में जगड़े नहीं जाए। ये हाथ उससे पहले तुम्हें मसल सकते हैं। तुम धमका रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा, समझा रहा हूँ। तुम नादान हो, पुलिस में जाने का ना तुम्हें कोई फायदा है ना हमें। तुम शादीशुदा आदमी हो, घर परिवार खून के उबाल और उछाल से नहीं चलते। मैं तुम्हें 1 मिनट में 10,000 रुपया दे सकता हूँ। तुम मुझे खरीद भी सकते धर्मदास, 10,000 तो क्या 10 लाख मिली, मुझे पुलिस तक जाना ही होगा। अच्छी बात है, तो फिर हमारे लिए भी एक ही रास्ता है। डॉक्टर, अभी अभी सूरज प्रकाश को दिल का दौरा पड़ा है, समझे? समझ गया। दिल का दौरा? हाँ हाँ, दिल का दौरा। अरे गजब हो गया, सूरज प्रकाश चला गया, बिल्कुल चला गया। सॉरी, दिल ने जवाब दे दिया है, जान निकल चुकी है। सूरज प्रकाश जी को बहुत पुरानी बीमारी थी दिल की। सूरज प्रकाश सचमुच सूरज की तरह हमारे पास आया, हमें रोशनी दी और फिर अपने रास्ते चल दिया दूसरी दुनिया को रोशन करने के लिए। नारायण नारायण। हरिओम हरिओम। सूरज प्रकाश, जितनी देर जिया अनाथों के लिए जिया। सूरज बेचारे को क्या मालूम था कि वो जाते जाते सारे कुंबे को अनाथ कर जाएगा। ये अब हमारा धर्म है कि हम ऐसे महापुरुष के परिवार के आंसू पूछें, उनका पेट भरने के लिए अपनी जेबें खाली कर दें। जब से पहले मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूं, ये रहे 1,111 रुपए।
पहला चंदा मैंने दिया था, इसलिए पहला हिस्सा भी मुझे ही लेना पड़ेगा। बाकी का तुम बांट लो, बराबरी से, ईमानदारी से। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमें मालूम नहीं कि इस वक्त सूरज प्रकाश कहाँ होगा, मगर ये बात माननी पड़ेगी कि मरने के बाद भी वो हम अनाथों की सहायता कर रहा है, इसलिए हम सबको मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये कैसे सुन रहे हैं आप? जो कैसे लगा रहे हैं वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं, जिन्होंने इस देश को अपना जंगल बना रखा है। ये हर शहर में मौजूद है, हर गांव में मौजूद है, हर बस्ती में मौजूद है। ये जहरीले फोड़े हैं हमारे राष्ट्र के शरीर पर, ये दुश्मन हैं देश के। इन्हें ललकारने के लिए जरूरत है अपनी जान पे खेलने वाले एक नौजवान की। कुछ नहीं मिलेगा। पहले ही क्या मिल रहा है, तुम्हारा आदमी कहता है शक्कर नहीं है, मुझे इस कार्ड पे लिख के दो। अरे कार्ड लिख के भेजो अपनी नानी के यहाँ। ये पोस्ट कार्ड नहीं, राशन कार्ड है। शक्कर नहीं चावल तो दो। अरे देता हूँ बाबा। ए सौदागर मल, दे इन्हें राशन, नहीं तो गल्ले के लिए हल्ला बोल देगी पब्लिक।
अरे 2 किलो चावल तौलने में तुझे कितनी देर लगती है बाबा? चावल खत्म हो गए हैं जी। कम हो गए? वो दूसरे कंकर वाले चावल, नया स्टॉक तैयार नहीं हुआ अभी। अरे आहिस्ता बोल, मैं बहरा नहीं हूँ। वो देख क्या रखा है, मैं अपने हाथ से गंगा जमनी तैयार करके गया हूँ बाबा। जल्दी बोरी खोल, दे ही नहीं राशन। अरे उधर क्या देख रहा है? आइए आइए सत्यनारायण जी, कहिए ये सेवाराम क्या सेवा कर सकता है आपकी? मैंने कल आपसे कहा था ना। ओ ठेकेदार साहब, आपकी चीज बिल्कुल तैयार रखी हुई है। सौदागर माल? अबे सौदागर माल आया जी। ठेकेदार साहब का सामान गाड़ी में रखवा दे। कौन सा सामान? शक्कर की बोरी। अबे बेवकूफ, तू मुझे जेल भिजवा करेगा। चल चल चल। देखा बेईमान को, हमसे कहता शक्कर नहीं, वहाँ शक्कर की बोरी जा रही है। कौन होते हो रोकने वाले? यहाँ 2 कानून चलते हैं, एक पैदल मरने वालों के लिए, दूसरा मोटर चढ़ने वालों के लिए। मैं कहता हूँ तुम अपनी जबान संभालो जी। मैं कहता हूँ पहले ये बोरी अंदर करो जी। रोको साहब, अगर आपको राशन चाहिए तो लाइन में खड़े होइए। मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन होते, मुझे बताने वाले कि मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए? कोई भी नहीं, लेकिन अगर आपको राशन चाहिए तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, इनके साथ इनके पीछे। तुम क्या जुल्म कर रहे हो भाई, तुम नहीं जानते ये कौन है। जो भी हैं, लेकिन भगवान के दरबार में और राशन के कटार में सब एक हैं। तुम्हें मालूम नहीं नौजवान कि मैं कितना मसरूफ आदमी हूँ, मुझे कितने काम हैं। इनकी तरफ देखिए श्रीमान, इनके पास आपकी तरह कार नहीं है, लेकिन ये बेकार नहीं है। इनमें बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, टीचर हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, इनमें ऑफिसों में काम करने वाले क्लार्क हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, इनमें माए हैं जो अपने रोते हुए बच्चों को घर छोड़ आई, इनमें बूढ़े हैं जो अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सकते लेकिन फिर भी खड़े। तो साहब, अगर आपको राशन लेना है तो राशन की लाइन में खड़े होइए, इनकी तरह इनके साथ। शिवराम जी, अपने आदमी से कहिए सामान गाड़ी में रख दे। रख दे भाई। सामान अगर गाड़ी में रखा जाएगा तो एक बात याद रखिए, गाड़ी सीधी पुलिस स्टेशन होगी और आप सीधे हवाला। वाह वाह क्या बात। ठीक है शिवराम जी, मैं जा रहा हूँ, बरखुरदार तुम्हें मैं समझ लूंगा। आज 23 साल में पहली बार देख रहा हूँ कि दुकान से निकला हुआ माल फिर दुकान में वापस जा रहा है। साला चुप करके दुकान में जाओ और राशन बांटो, समझे? जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। क्या लाया हम आपके लिए? शारदा के लिए, गोपी के लिए, चाचा को कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा। वाह वाह वाह, कहो पढ़ाई कैसे हुई? चाचा पहले तुम बताओ, आज लड़ाई कैसे हुई? बाहर से लड़के आते हो, घर में पिताजी के दांत खाते हो। चाचा अगली दफा लड़ाई हुई तो मुझे जरूर साथ लेके जाना, मजा आएगा। मजा तो अभी आएगा तुम्हारे चाचा को। हो गया देश उत्थान। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है आकाश के दूसरों के झगड़ों में मत पड़ा कर। लेकिन भैया वो... लेकिन कुछ नहीं, ठेकेदार सत्यनारायण धर्मदास जी का अपना आदमी, फिर उसके पास दौलत है, दर्जा है, इख्तियार है। तुम ऐसे आदमी से जाओ उनसे भरे बाजार में, उससे कहा कि अपनी मोटर से उतर कर राशन की लाइन में खड़ा हो जाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी किसी की पगड़ी उछालने की? मैंने किसी की पगड़ी नहीं उछाली भैया, मैंने सिर्फ इतना कहा दुनिया में 2 कानून नहीं हो सकते, एक अमीर के लिए दूसरा गरीब के लिए। वहाँ और लोग भी तो थे, इंसाफ का झंडा सिर्फ तुमने क्यों उठाया? किसी को तो उठाना ही पड़ता भैया, जुल्म के सामने दुनिया के सभी सर झुक जाएं तो दुनिया का क्या हो। अंधेरे में बैठ कर अंधेरे को कोसने से क्या ये अच्छा नहीं, आदमी एक छोटा सा दिया जलाते, जो जलाता है भैया वो बड़ा काम करता है। तुम्हारे इन असूलों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है आकाश, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी सारी उम्मीदें तुम पे लगी, कहीं इन झगड़ों से उन उम्मीदों पे पानी ना फेर देना तुम। नहीं फेरेगा, नहीं फेरेगा, लो कुछ खा लो। अरे खीर, वाह वाह भाभी वाह। तुम्हें पसंद है इसीलिए मैंने खास तौर पर बनाई है। तुम ही बिगाड़ती हो उसे। अच्छा करते हो, बिगाड़ती हूँ, मेरा एक ही तो देवर है दुनिया में। अरे मेरी भी तो एक ही भाभी है दुनिया में, है ना? अच्छा अच्छा खाओ खीर खाओ। ले लो नारियल पानी, ले लो रे, ले लो बाबू पी लो नारियल पानी, ले लो रे, ले लो बाबू पी लो नारियल पानी। अरे
नारियल दो मुझे, ये लो, ये एक और देना। पैसे निकाल। हैं? मेरा बटुआ किसने मारा? ए, ये खेल किसी और को दिखाना। पैसे निकाल वरना नाक काट कर हाथ में रख दूंगी। हाँ मैं सच कहता हूँ, किसी चोर ने मेरे पैसे चुरा लिए। चोर तो तू है, दूंगी एक रख के तो मुंडी फुग्गे की तरह उड़ कर जाएगी। पैसे निकाल। पैसे मैं कल आके दूंगा। कल नहीं, आज और अभी। अभी पैसे कहाँ से लाऊं? देखो मैं शरीफ आदमी हूँ, तेरे यकीन करो मेरा बटुआ किसी ने उड़ा लिया। साथ साथ मैं तेरा सर उड़ा दूंगी बदमाश। किसे छोड़ दो तो पैसे कौन देगा? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सच कहते हैं इंसान ही इंसान के काम आता है। थैंक यू सर। तुम तो बड़े भोले हो बाबू, ये बदमाश तो तुम्हें इस गली में खरीदे और उस बाजार में जाकर बेच दे। बटवा गुम हो गया है। नारियल पियोगे? हाँ प्यास तो लगी है, पिला दो। है ना मीठा रसीला? मजा आ गया। क्यों ना आए, मेरे पास जो माल है बस कमाल है। ये लो, ये बहुत अच्छा है। अच्छी तो दुनिया में हजारों चीजें हैं, लेकिन इंसान को अपना पेट देखना पड़ता और अपनी जेब। ऐसे बोलो। उस लफंगे के और तुम्हारे मिलाकर 3 रुपए। ए बाबू क्या हुआ? गजब हो गया, मेरा बटुआ। तुम्हारा भी? मेरा बटुआ सचमुच चोरी हो गया है। मेरा बटुआ चोरी हो गया है, सीधी तरह मेरे पैसे निकाल। मैं सच कह रहा हूँ। मैं सब जानती हूँ, तुम और वो लोफर दोनों एक है, वो चोर और तुम चोरों के बाप। मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। ओहो भोलू राम,
शराफत से मेरे पैसे निकाल। शराफत तो तुझ में नहीं है, खामखा गले पड़ रही हो। कला के पैसे दे दूंगा, मेरा गला छोड़। इधर मैं गला छोड़ू और जनाब कबूतर की तरह फूर हो जाए। अरे छोड़ ना, अगर ये बात है तो ये ले घड़ी, अपने पास रख ले, कल आके पैसे दूंगा और घड़ी वापस ले जाऊंगा। ये हुई ना कोई बात? बात तो हुई, अगर कल तू कबूतर की तरह उड़ गए फुर तो। गरीब आदमी वचन देकर नहीं फिरते, कल शाम को यहाँ आना, पैसे इधर घड़ी उधर, हिसाब साफ, समझा? समझ गया समझ गया, और तुम्हारे हिसाब करने का तरीका भी देख चुका हूँ। जी हाँ, देख चुका था, देख चुका। बाबू छूटा तो नहीं लगता, होता तो 3 रुपए के लिए अपनी घड़ी क्यों देता? चंदा, चंदा। अरे वो चंदा नहीं है, चंडी का है। तो कहाँ भागा जा रहा है? कल मैंने तुझे गालियां दी थी ना, फिर आज भैया को बेहोश करके ले आया। मेरा क्या कसूर चंदा देवी, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि एक घूट में भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा। और ये खर्च करके चार अंदर उड़े गए और सीधा ऊपर। अच्छा, तो वहां का गुस्सा जा रहा है, कल मेरी कसम खाई थी ना कि नहीं पिएगा। तू चाहता है कि तेरी बहन मर जाए? नहीं, तेरे बिना और कौन है मेरा? मैं अब शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सच? मैं कसम खाता हूँ। फिर झूठी कसम? नहीं, सच्ची कसम। मैं अब छूं भी तो भगवान मुझे जला दे, राख कर दे। ना ना, ऐसा ना कह। चल कुछ खा ले। हाँ, फिर भैया को ले गया जुआ खिलाने। ये भैया को भी कब अकल आएगी पता नहीं। हाय, पैसे तो नहीं लगे बकस में से। हाय भगवान, सब कुछ चला गया, रुपए खड़ी, मैं तो गर्क हो गई, बर्बाद हो गई। अब क्या करो, क्या होगा? चंदा, नहीं चंदा, बोल खड़ी कहाँ है? वो तो चली गई। मैंने सोचा था अगर जीत जाऊंगा तो 100 घड़ियां ला दूंगा तुझे, मगर अब तो सब कुछ चला गया। ये तूने क्या किया भैया? मैं उसे क्या कहूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने उसे चोर कहा था, तूने मुझे चोर बना दिया। मैं मरूंगी तब तो सुधरेगा भैया, ऐसे नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। नहीं चंदा, नहीं, ऐसे बचा नहीं निकाल मुझे। अरे भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे। मैं आज आखिरी बार सौगंध खाता हूँ, मैं आज से न जुआ खेलूंगा और न शराब पीऊंगा। भगवान, मुझे तेरे चरणों की सौगंध है, दिन रात मेहनत करूंगी, एक एक पाई इकट्ठा करूंगी, उस बाबू का कर्जा लौटा दूंगी, लौटा दूंगी भगवान। जिस तरह सरकार देश के सामने नया प्लान पेश करती है, उसी तरह हमने भी एक प्लान तैयार किया है, नए साल का नया तोहफा, जनता हाउसिंग स्कीम। जनता हाउसिंग स्कीम? जी हाँ, जनता हाउसिंग स्कीम। बेघरों के लिए घर 100 रुपया दो और बना बनाया मकान ले लो, और फिर उसके बाद 10 साल तक सिर्फ 10 रुपए महीना। नामुमकिन, मैं ठेकेदार हूँ, मैं जानता हूँ कि इतने में घर नहीं बन सकता। अरे भाई, मकान कौन बनवा रहा है, हमें तो सिर्फ रुपए बटोरने हैं और फिर उसके बाद नारायण नारायण। लोगों को साफ मालूम हो जाएगा कि जरूर इसमें कोई चाल है। चाल? अरे हमें वो जीने नहीं देंगे। उसका इलाज भी सोच लिया है, हाउसिंग स्कीम का माल खाएंगे हम, मगर स्कीम चलाएगा दीना ना। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है धर्मदास जी, दीनानाथ ऐसे काम में हरगिज हाथ नहीं डालेगा। वो इस काम के काबिल भी नहीं है, जरूरत से ज्यादा शरीफ है।
सच्चाई और ईमानदारी के अलावा दूसरी बात नहीं करता। वो तो बिल्कुल साधु है साधु। अरे भाई हमें भी तो साधु ही चाहिए मकान बेचने के लिए। अंदर का माल कौन देखता है, बाहर का लेवल बढ़िया होना चाहिए, जैसे कि दीनानाथ। अरे बालक मालक, दीनानाथ को बोलो। अच्छा मिस्टर परेरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कामला देवी, नमस्कार। आगे भैया। नमस्ते। 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 अरे आज आपने छतरी नहीं लाया? अब छतरी की क्या जरूरत है, मैंने छत्र का बंदोबस्त कर लिया है, शादी कर रहा हूँ। शादी? हाँ शादी शादी शादी। अच्छा ना, और क्या करता आकाश भैया, तुम्हारी लीजी ने तो हमारी जान मुसीबत में डाल दी है। अच्छा ईमानदारी का सबक पड़ा है, गले गले तक कर्ज में मुबतला हो गया हूँ, और इस कर्ज के मर्ज से बचने का सिर्फ एक ही इलाज था। पूछो क्या? क्या? शादी का इंजेक्शन, किसी का घर जमाई बन जाऊं, ताकि मकान, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, धुलाई मजाई, खटाई मिठाई, सब मुफ्त। लड़की कैसी है? अरे लड़की किसने देखी है, हमने तो सिर्फ ससुर देखा है या घर देखा है। सो घर शानदार है और ससुर मालदार है। क्या कारोबार है? हाँ जी भाई आल पार है। मुझे वैसे में ना चिलकधारी इन्हीं की तरह वो भी एक ऑफिस में हेड क्लर्क है। सारा कारोबार या तो अर्जी के ऊपर होता है और या टेबल के नीचे उनकी मर्जी पर होता है। लो अब होता है कारोबार। आ गए बेचारे बीमार। नमस्ते बाबू। नमस्ते। मेरा नाम मंगू है। तुम्हारा नाम चंगू हो या मंगू, अर्जी पर पहले वजन रखो। वजन बाबू, वो क्या होता है? उफो, इतना भी नहीं पता कि वजन क्या होता है। आज से पहले कभी किसी दफ्तर में नहीं गए? नहीं बड़े बाबू, भगवान की दया से कभी दफ्तर में जाने का मौका नहीं आया। हमें क्या पता कि वजन क्या होता है। ओहो बड़े भैया, जैसे आदमी का वजन होता है वैसे अर्जी का वजन होता है। तुम्हारा होगा कोई 15-20। हम गरीब आदमी है बाबू। हम पे दया करो साहब, हम झोपड़े से निकाल दिए गए तो कहाँ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, वजन के बगैर तो ना तुम्हारी अर्जी दिखाई देती है मुझे और ना ही तुम नजर आते। ये क्या है? वजन? अर्जी पे रखने का वजन? तुम अपनी जगह जाकर। अरे तुम कैसे आदमी हो, जो दफ्तर में आता तुम उसकी खाल उधेड़ना चाहते हो? तुम जैसे आदमियों को देख कर तो कहते हैं इस आजादी से तो गुलामी अच्छी थी। बोलो तुम तो हमारे बड़े साहब हो, मुंह क्यों बंद हो गया? इनका तो मुंह भी पैसे की खनक सुनकर खुलता है। यू शट अप, तुम्हें तो मैं देख ही लूंगा, तुमने मेरे काम में दखल दिया है। ये काम आपका नहीं, ये काम मेरा है। आ मंगू। छोटे बाबूजी के दिल में कितनी दया है। शाबाश आकाश। हम लोग 30 साल से इस बस्ती में रहते हैं बाबू साहब, हमने अपने हाथों से ये झोपड़े बनाए हैं। ठेकेदार सत्यनारायण हमारे झोपड़ों को तोड़वा करके फैक्ट्री बनवाना चाहता है बाबू। आप ही इंसाफ कीजिए बाबू जी, ये अर्जी नहीं चलेगी। बस्ती के सब लोगों को मिलकर एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी, जिस पर हर झोपड़े वाले की सही या अंगूठा होना बहुत जरूरी है। जी बहुत अच्छा। बाकी मेरा जिम्मा है, मैं देखता हूँ तुम लोगों की जमीन तुमसे कौन छीनता है। आप इंसान नहीं भगवान है बाबू साहब। अरे बाबा भगवान तो दुनिया में सिर्फ एक है, बाकी तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। भगवान आपका भला करे बाबू साहब। नमस्ते ठेकेदार साहब। नमस्ते। तेरा काम हो गया? मैंने तो बहुत कोशिश की थी आपको जमीन दिलवाने की, लेकिन वो रोड़ा बीच में आ गया ना, क्लर्क आकाश। क्लर्क आकाश? तो अब चोटी का पर निकलने लगे। आप बड़े साहब से मिल लीजिए ना। पहले मैं इस क्लर्क से मिल लूं। क्लर्क आकाश जी, बहुत पर निकला है तुम्हारे। देखो उस जमीन पर झोपड़ी वालों का हक नहीं, मेरा हक है। हक का फैसला करना इस दफ्तर का काम। वालों में किससे बात कर रहे हो? यहाँ जानता हूँ और बतला भी सकता हूँ, लेकिन शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी ये मजाक, उस दिन तुमने राशन की दुकान पर मेरी बेइज्जती की, मुझे लाइन में खड़ा होने के लिए कहा, आज तुम ये? आज मैं तुम्हें लाइन में खड़ा होने के लिए नहीं कहूंगा, आज सिर्फ इतना कहूंगा कि ना तो ये राशन की दुकान है ना ये शराब का ठेका। देखो आकाश, ये एक सरकारी दफ्तर है। गेट आउट, गेट आउट। अच्छा ऐसा बुद्धू है, फिर तो कोई और रास्ता ही नहीं है। नंबर क्या है उसके दफ्तर का? मिला। ये दीजिए। हाँ नेकी राम भाई, मैं हूं धर्मदास। धर्मदास जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
तुम्हारे नीचे क्लर्क काम करता है, आकाश नाम है। जी हाँ, वो तो बड़ा ईमानदार आदमी है। आप उसकी तरक्की के लिए सिफारिश कर रहे हैं क्या? तरक्की की नहीं, डिसमिस हिम। यस सर। लेकिन कैसे निकाल दूं? कोई कसूर, कोई खता? हुजूर, वो तो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है। अरे ऐसे ईमानदारों को संभालने के लिए तो तुम्हें वहाँ रखा गया है, समझे? या तुम चाहते हो तुम्हें फिर अपनी पुरानी नौकरी पे वापस भेज दिया जाए? नो सर, नो सर, ऐसा मत कीजिएगा। मैं आकाश का अभी अभी फैसला किए देता हूँ। गुड। बाबू साहब, इस घड़ी का क्या दाम होगा? ये घड़ी 150। 100 ऊपर से 50? हाँ, ये लो। ये नारियल वाली ठहर। कहाँ भागी जा रही? ये ले तो अपने पैसे और निकाल मेरी घड़ी। बात ही है बाबूजी। क्या बात है? बात तो कुछ भी नहीं है। किसी तरह मेरी घड़ी निकाल। घड़ी? हाँ हाँ, मुझे अपनी घड़ी चाहिए। क्यों साहेब, क्या इरादे हैं? नारियल वाली से घड़ी के सौदे हो रहे हैं? कौन सी घड़ी के सौदे हो रहे हैं बाबू? टाइम देखने की घड़ी के या मिलने की घड़ी के? हाँ, क्या जमाना आ गया है। लड़कियां बिचारी घर से बाहर निकलती हैं चार पैसे कमाने के लिए, मगर रास्ते में ऐसे शौकीन मिल जाते हैं, वो जाएं तो कहां जाएं। तुम लोग अपनी हाँकते रहोगे या मेरी भी सुनोगे? तुम्हारी सुनेंगे, बाद में पहले हम उसकी बात सुनेंगे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं। ये घड़ी 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 की बात कर रहा था। मैं ठहरी एक मामूली नारियल वाली, मुझे क्या मालूम कैसी घड़ी कौन सी घड़ी। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कल मैंने तुझसे नारियल नहीं लिए थे, और जब तुमने पैसे मांगे और मैंने कहा मेरा बटुआ चोरी हो गया, क्या मैंने अपनी घड़ी निकाल के तुझे नहीं दी? वही घड़ी चाहिए मुझे। सुनिए चश्मे वाले बाबू, ये कहता है इसने 3 नारियल के बदले मुझे आप जैसी घड़ी दी, भला ये भी कोई मानने की बात है? बिल्कुल नहीं। ए मिस्टर, चलो यहाँ से। हाँ हाँ, चलो चलते बनो, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं बाबूजी, पुलिस तक बात मत ले जाइए। ए मिस्टर, देखा तुम कितने लोफर हो और ये कितनी शरीफ है, ये अब भी तुम पे तरस खा रही है। चलो हटो यहाँ से। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ो। बाबूजी, सूरज जितनी भोली सीरत उतनी ही काली। बाबू, मैं खूब जानता हूँ तुझे, ऐसी ठगनी ऐसी चोर और नहीं देखी मैंने। मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारे पाँव की सौगंध में चोर नहीं हूँ बाबू। मैंने उस दिन तुमसे झूठ कहा था। मैं ये कैसे कहती, मेरा भैया तुम्हारी घड़ी जुए में हार आया है, मैंने भगवान के सामने सौगंध खाई थी, तुम्हारी घड़ी किसी तरह वापस कर दूंगी। मैंने दिन रात मेहनत की, लोगों के छूटे बर्तन मांजे, उनके गंदे कपड़े धोए, आज मेरी सौगंध पूरी हो गई है। ये लो बाबू। गौर क्या रहे हो बाबू, घड़ी के दाम ज्यादा थे क्या? ए, क्या नाम है तुम्हारा? चंदा। चंदा, मैं ये पैसे तुमसे नहीं लूंगा। क्यों? उस फजूल सी घड़ी के लिए जो मुसीबतें तुमने झेली हैं, बस समझ लो वही कीमत है उसकी। पैसे नहीं लोगे? नहीं लोगे तो मैं अपने भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। ले लो ना बाबू, तुम्हें मेरी कसम। ओहो, पहले तुम मुसीबत में थी, अब तुम्हारी इस कसम ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। लाओ हाथकड़ी बाबू। मेरा नाम हाथकड़ी बाबू नहीं, आकाश है। बाबू, कल मैं तुम्हें यही मिलूंगी, जब मैं तुम्हारे हाथ में घड़ी देखूंगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी। मिलेगी? हाँ। हो गया ना?
100 रुपए में इतना नफीस मकान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई ये तो दया है इन लोगों की हम गरीबों पर। लीजिए बहन जी। नमस्ते जी। आपका शुभ नाम? संतराम। हमारी तकदीर बहुत अच्छी है। हाँ भाई हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर जाके आराम से बैठिए। सोफों के ऊपर पंखों के नीचे धूप में क्यों चल रहे हैं? जी कोई बात नहीं। नारायण नारायण। ये धर्मदास जी तो सचमुच धर्म का अवतार है। हाथकड़ी बाबू। फिर वही बात। मैंने कहा ना मेरा नाम आकाश है। भूल गई। अच्छा मुझे घड़ी दिखा। घड़ी। अरे घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ। इतनी बड़ी घड़ी? साड़ी? ए बाबू साड़ी अपनी बीवी के लिए लाए हो? अरे हमारी तो शादी भी नहीं हुई अभी। तो फिर किसके लिए लाए हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? मुझे साड़ी अच्छी लगी मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। नहीं मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए थी तुम्हारे लिए। मुझे घड़ी नहीं चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए थी तुम्हारे लिए। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ए बाबू। नहीं बाबू। ये तुम्हारा खून है, तुम्हारा पसीना, तुम्हारे आंसू। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है इतनी लंबी चौड़ी झूठी दुनिया में एक छोटा सा सच्चाई का मंदिर है और मैं सिर्फ श्रद्धा के दो फूल रख रहा हूँ। चंदा ले मेरी बात मानो। नहीं नहीं तो मैं अपने सर पे हाथ रखता हूँ और तुम्हें कसम। नहीं पापा तुम्हारी कसम के आगे मेरी जिद हार गई। ये सब ठीक है और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। कल हमारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनके सामने अर्जी पेश की जाएगी। हमने तो सब कुछ तुम पे छोड़ रखा है। साहब आपको साहब ने बुलाया है। तुम लोग जाओ, विश्वास के साथ जाओ कि तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीनेगा। धन्यवाद बाबू। अरे धन्यवाद की क्या बात है, ये तुम्हारा फर्ज है। आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम समझते क्या हो, ये दफ्तर है तुम्हारा घर या जागीर नहीं। जो शहर भर का कूड़ा यहाँ इकट्ठा कर लो। वो कूड़ा नहीं है साहब, वो इस शहर के नागरिक हैं। सोचा जाए तो वही असली मालिक हैं शहर के भी और म्यूनिसपालिटी के भी। तुम्हारी शिकायत आई है तुम दफ्तर की सिगरेट फाइलें दिखाते हो उन्हें। जी नहीं मैंने कोई फाइलें नहीं दिखाई उन्हें, सिर्फ उनकी अर्जी फाइल में रखी। तुम जानते हो जो जमीन तुम बस्ती वालों को देना चाहते हो वो जमीन कॉन्ट्रैक्टर सत्यनारायण को मिलनी चाहिए। मैं तो एक मामूली सा क्लर्क हूँ, मैं कौन होता हूँ जमीन देने वाला। लेकिन सिर्फ इतना जानता हूँ कि पिछले 30 साल से वो लोग वहां पर रहते हैं और आज तक का टैक्स भर चुके हैं। देश के कानून के मुताबिक उन्हें कोई वहां से नहीं निकाल सकता। आप कैसेट निकालिए और देखिए सर, साल 1962 सफा 52 सेक्शन 18(3)(117) साफ लिखा है कि जमीन सबसे पहले उन लोगों को बेची जाएगी जो बरसों से वहां पर रहते हैं। आगे चलिए। सफा 115 सेक्शन 75 सब सेक्शन 16, शहर के इस इलाके में कोई भी मिल फैक्ट्री या कारखाना नहीं बन सकता। म्युनिसिपल कमेटी आपने बनाए हुए कायदे किसी के लिए नहीं तोड़ सकती, मिस्टर सत्यनारायण के लिए भी नहीं। वाह सुप्रिंटेंडेंट साहब वाह, कल मिनिस्टर साहब आएंगे तो कितने खुश होंगे ये जानकर कि आपके ऑफिस का एक मामूली सा क्लार्क भी कितना कानून जानता है। मैं इतना ही कानून जानता हूँ कि जो जिसका हक है उसे मिलना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सारे कायदे कानून तू भी जानते हो। इतने बड़े ऑफिसर जिनको सरकार ने इतनी बड़ी कुर्सी दी है उन्हें कुछ नहीं आता। इतनी वकालत कर ले झोपड़े वालों की, कितना माल लिया उनसे। सुब्रन साहब इतने बड़े ऑफिस में हाथा भाई, एक गलत आदमी की वजह से सारा महकमा बदनाम हो सकता है। आकाश तुमने ठेकेदार सत्यनारायण और मेरे सामने हेड क्लर्क का गला पकड़ा है, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से डिसमिस करता हूँ। क्या कर जल्दी से ऑर्डर बनाओ। जी बॉस। साहब मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ। आई से गेट आउट। जा रहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
इंसाफ की चक्की चलती तो आहिस्ता है, लेकिन पीसती बहुत तारीख है। इसमें सिकंदर भी पीसे हैं और चंगेज भी, आप उनसे बड़े नहीं हैं। ठहरो आकाश, मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ। क्यों? सड़कों पर भीख मांग लेना अच्छा है, लेकिन इन गुलामों की गुलामी पाप है। इनका तो जिस्म भी बिक चुका है आकाश, और ईमान भी। ऊपर से सफेद टीका लगा रखा है और दिल में काली छुपी हुई है। ओ चश्मेश, ये लो। ये क्या है? क्यों, इंग्लिश नहीं आती? ये मेरा इस्तीफा है। कल से मैं तुम्हारा ये मनुष्य चौकता नहीं देखना चाहता। थैंक यू, गो। आई एम गोइंग। एक मिनट। देखो, शारदा के लिए मीठी मीठी चॉकलेट और गोपी के लिए ये खिलौना जो तुमने मांगा था। हाँ, चाचा को कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा तो फिर हो जाए। अरे वाह वाह आकाश, तुम बच्चों को बहुत बिगाड़ते हो। अरे भाभी, तुमने भी तो मुझे बिगाड़ा था। ये लो, तुम्हारे लिए साड़ी और भैया के लिए कुर्ता। साड़ी तो मैं एक ही दफा लूंगी तुम्हारी शादी पे, और गहने भी लूंगी। अरे हाँ हाँ, जरूर लेना, अभी तो लो। लेकिन आकाश, तुम ये सब के लिए सब लाए हो, अपने लिए कुछ नहीं? हाँ, अपने लिए अगले महीने ले आऊंगा, तनख्वाह मिलते ही। वाह 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 वाह, कौन सा अगला महीना, कौन सी तनख्वाह? क्या बात है रामलाल जी, आपको आकाश ने बताया नहीं, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। रामलाल, ये मेरे तो कुछ कहा नहीं, खामखा बिगड़ने लगे। नमस्ते जी। मैं क्या ये सच है आकाश? हाँ भैया, मेरी नौकरी चली गई, और इसलिए चली गई कि मैं सच्चाई और इंसाफ का साथ दिया, दौलत और ताकत का नहीं। मगर इंसाफ और सच्चाई से पेट नहीं भर सकते, घर नहीं चल सकते। ये आप कह रहे हैं भैया? ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। छोड़ो ना ये सब, ये एक नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी। चलो ना, चाय पिलो चल के। मुझे नहीं चाहिए चाय, मैं दफ्तर से पी के आया हूँ। चलो आकाश, तुम चलो। मुझे भी नहीं चाहिए भाभी, मैं भी दफ्तर से पी कर आ रहा हूँ। चलो तुम तो दूध पी लो। मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें भी क्यों चाहिए? देखा देखी बच्चे भी वही करते हैं जो बड़े कर रहे हैं। चलो। नहीं, नहीं। रोना नहीं, रोना नहीं बोला ना। हंस तो, हंस तो। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। खिलौना सोना, चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना। सलोना सलोना सुख की क्या बात है, क्या दिन है क्या रात है। आंसू भी मुस्कान बने, ये तो अपने हाथ है। आशाओं की डोरी में सदा तुम मन के फूल। रोना रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। खिलौना देखो बच्चों, बाग में सब गलियां नहीं खिलती। दुनिया में इंसान को सब चीजें नहीं मिलती।
जो अपना नहीं तुम उसके लिए जो अपना है नहीं खोना रोना कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए कोई खिलौना खिलौना रंग से और नाम से दांत से और नाम से इज्जत मिलती है यहाँ देखो अच्छे काम से कोई काम बुरा तुम मत करना बदनाम कभी नहीं होना रोना कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए कोई खिलौना खिलौना सोना चुप किसे सोना चाहे टूट जाए सपना सलोना सलोना रोना चाहे टूट जाए खिलौना अरे बाबा लाते हूँ देखो तुम चोर बन गए सभी बच्चे बन गए है ना बाबा क्या कहने हाउसिंग स्कीम पे क्या कहने लोग पैसे भी दे जाते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं अभी तक कितना मालिक अच्छा हुआ होगा हो गया कोई 5 लाख है मगर सेवाराम तुम्हें लाखों की क्यों फिक्र है भाई कहते हैं एक वक्त एक ही काम करो तुम दारू पियो अरे तुझे मालूम है कि शहर में पानी की कितनी तंगी है जनता बिचारी एक एक बूंद पानी को तरस रही है और ये विस्की में पानी मिला रहा सेवा राम स्वदेशी वाला है खालिस घी खाता और पीता भी खालिस ही है मालिक है क्या बात है वो मास्टर सुबह से बाहर बैठा है अरे तो भाई उसे भी बुला लेने यहीं जरा सी पी लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा है तुम चुप रहो सेवा राम हाँ बोल बोल वही पिटी पिटाई बात 10 महीने की तनख्वाह बाकी है बस इतनी सी बात और इतना शोर अजी साहब वो तो धरना मार कर बैठा है कहता है जब तक मेरी मांग पूरी ना होगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा मालिक वो तो पुराना सत्याग्रही है अरे स्कूल में दूसरे मास्टर भी तो है वो इसकी तरह मेरी छाती पर झंडा गाड़ने नहीं आए यहाँ अजा उसको कह दो कि इस वक्त हम एक बहुत जरूरी मीटिंग कर रहे हैं बड़े बड़े सवालों में उलझे हुए हैं डूबे हुए हैं क्या कहा उन्होंने उन्होंने कहा है दफा हो जाओ ये कहा उन्होंने अमीर क्या जाने गरीब की भूख क्या होती है 10-10 महीने तनख्वाह न मिले तो जिंदगी क्या होती है पालक चंद मुझे जाने दो एक बार मुझे खुद अपने दुख की कहानी सुनाने मैं भी नौकर आदमी हूँ आज 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया मैंने सैकड़ों बच्चों को विद्या जैसी अनमोल चीज दी है मगर मेरे बच्चे रोटी जैसी मामूली चीज के लिए पिनक रहे मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊंगा मैं अपने भूखे बच्चों को क्या दूंगा सिवाय नासमों के मुझे और मजबूर ना करो मास्टर मैं पहले ही कह चुका हूँ जाओ यहाँ से जाओ मैं धर्मदास जी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा धर्मदास जी अरे तुम पिए हुए हो क्या धर्मदास जी दंगो धक्के मारकर बाहर निकाल दो शराबी को Thank you.
जी, ओ मास्टर जी, ए मिस्टर, जरा थोड़ा सा पानी लाना। तुम अभी लाया मास्टर जी? मास्टर जी ये लो। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? है? मैं हूँ आपका पुराना विद्यार्थी आकाश। हाँ हाँ, ये लीजिए। दस महीने से स्कूल में तनख्वाह नहीं मिली। मैं गया था धर्मदास के पास तुकरारों ने, उसने ठोकर मारी और निकाल दिया। धर्मदास? लोग तो कहते हो बड़ा धर्मात्मा आदमी है। ये धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं, गरीबों के पैसे मारकर घर भर लिए, अपने घर भर लिए। अब मास्टर जी, यहाँ से उठिए, उठिए यहाँ से। अब तो न उठा जाता है, न जिंदगी की लाश उठाई जाती। मास्टर जी, मास्टर जी, टैक्सी! हालत बहुत खराब, इसलिए तो इनको आपके पास लाया हूं। अरे भाई, इन्हें कहीं और ले जाते, यहाँ तो पूरी दवाइयां तक नहीं। दवाइयां तक नहीं? डॉक्टर के हाथ में दो कागज थमा दो, दवाइयां खुद बखुद निकल आएंगी। दो कागज? हाँ, वो समझा डॉक्टर। या मरीजों की जान के सौदे होते हैं? क्या शोर मचा रहे हो? कह जो दिया दवाइयां नहीं है। दवाइयां नहीं है, यूं कहो कि दवाइयां ब्लैक में बेचते हो। डॉक्टर, अगर मेरे मास्टर जी को कुछ हो गया तो मैं। मास्टर जी, आकाश, बस। मुझे शक है धर्मदास जी, आकाश को पता चल गया है कि हम पब्लिक डिस्पेंसरी की दवाइयाँ ब्लैक में बेचते हैं। और अगर पब्लिक को पता चल गया तो क्या होगा? अरे क्या होगा, लोग हमको अवतार समझते हैं, अब्बुल तो हमारे राज कभी खुलेंगे ही नहीं। और अगर आकाश ने खोल भी दिए तो लोग मानेंगे नहीं है। अरे कौन मान सकता है कि अवतार चोर हो सकते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कौन है भाई? वही दीनानाथ का भाई आकाश। आकाश भैया, कहो क्या हाल है तुम्हारा? आपको मालूम है कि मास्टर महेंद्र नाथ का देहांत हो गया? अरे बेटी, क्या आदमी था मास्टर महेंद्रनाथ, महापुरुष, महान आत्मा। अब तो हमें उसकी याद में चौक के एन बीच घंटा घर के पास उसका बुत खड़ा करना पड़ेगा। मरने के बाद बुत? इतना ही नहीं, हमें उसके परिवार के लिए फंड भी इकट्ठा करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। तो फिर इस फंड कमेटी का चेयरमैन मैं तुम्हें बना दूंगा। अच्छा, हिस्सा मिलेगा? अब की ना कोई अकल की बात, जरूर मिलेगा। कितना? जैसे हमेशा होता है, आधा धर्मदास जी का, आधा हम सबका, तुम्हें मिलाकर। क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं, 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 मास्टर का सारा फंड हम तुम्हें दे देंगे। बकवास! मैं तुम्हारी तरह लाशों का सौदागर नहीं हूँ धर्मदास। पहले लोगों को जान से मारते हो, फिर उनके नाम पर फंड इकट्ठे करते हो, वो भी उनकी विधवाओं और यतीमों के लिए नहीं, अपने लिए और इन भेड़ियों के लिए। नारायण नारायण, मास्टर की मौत का इल्जाम तुम मुझ पर धर रहे हो, इतना बड़ा अन्याय। अन्याय तुमने किया है धर्मदास, उस निर्दोष का खून तुम्हारे सर पर है। बड़े धर्मात्मा बनते हो। लोगों क्या मालूम कि उस धर्मात्मा के पीछे कैसा खूनी, कैसा लुटेरा छुपा हुआ है।
यही नाम मिलता है देशभक्ति और प्रजा सेवा का। दुनिया में ऐसा होता ही आया है। अपने युग में बड़े बड़े महात्मा पहचाने नहीं गए, माने नहीं गए। गांधी को गोली मिली इनाम में, ईसा को सूली, और हमें तुम। अरे यूं कहो कि गांधी को गोली, ईसा को सूली, और गोली वाली जनता को मिले तुम। शर्म नहीं आती धर्मदास अपने आप को गांधी और ईसा से मिलाते हुए? अरे तुम इस काबिल कहा कि उनका पवित्र नाम भी अपनी गंदी जुबान से निकाल सको? हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। धर्मदास ये धमकी किसी और को देना, एक न दिन सबका हिसाब होता है, नेकी का बदी का। तुम लोगों ने अपने चेहरे पर धर्म के जो झूठे नकाब पहन रखे हैं, उन्हें उलट दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। ये क्या पागलपन है आकाश? पहले इतने लोगों के सामने इतने बड़े आदमी की बेइज्जती की, अब उनकी तकदीर की दुर्दशा कर रहे हो। धर्मदास आदमी नहीं भैया, डाकू है। आकाश मैं एक लफ्ज भी धर्मदास जी के खिलाफ नहीं सुन सकता। मैं उनका नमक खाता हूँ, पूरे 10 साल से उनकी छाया में हूँ। वो कितने बड़े आदमी है वो मुझसे पूछो। तुम क्या जानो वो कितना दान करते हैं, कितना धर्म करते हैं? उसका धर्म एक दिखावा है, उसका दान एक छलावा है। ना जाने कितने लोग उस धोखे में मारे गए हैं, लूटे गए हैं। पता नहीं किसने तुम्हारे कान भरे। अगर धर्मदास जी की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को नौकरी से अलग कर देता। तुम्हें अभी जाकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। भैया नहीं, मैं ऐसे आदमी से कैसे माफी मांग सकता हूँ जिसने गरीब स्कूल मास्टरों के पैसे खाए, ना जाने कितने फंड हड़प कर चुका है, जिसकी लूट से ना तो स्कूल बचे है ना अस्पताल। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है भैया, अगर उसका बस चले तो मुर्दों के कफन भी बेचकर अपना घर भरते हैं। खामोश। आप धर्मदास के नौकर हैं, इसीलिए सच्चाई देख नहीं सकते हैं, मान नहीं सकते। बदतमीज। अरे अरे, क्या हो गया? ये जोश किस बात के लिए? तुम हट जाओ जी बीच में से। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, माफी तुम्हें अभी जाके मांगनी होगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैंने आज तक आपका हर हुक्म माना, ये नहीं मान सकता। फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। मूंगफली ला यार, बड़ी भूख लगी है, एक दो आने की मूंगफली तो दे। बाबू कल से एक दाना नहीं खाया। ये लो मां, रहने दे दोस्त, फिर कभी सही। अच्छा साहब, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम? ये लो आकाश बाबू। मुझे भूख नहीं। मुझे सब पता है, तुम्हें दफ्तर से भी निकाल दिया गया है और घर से भी। चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। तुम्हारे घर? रात के इस बेंच पर काटनी है, आसमान के नीचे। शहर के हजारों आदमी आसमान के नीचे सोते हैं। नहीं चंदा, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ नहीं बल्कि तुम ऐसा नहीं करोगे हम पर। हम बस्ती वाले ठहरे, मूर्ख अनपढ़, हम तुम्हारा झोपड़ा बना देंगे, तुम दो चार शब्द पढ़ा देना। बल्कि बस्ती वाले और मंगू काका खुद तुम्हें लेने आ रहे थे। मैंने कहा आकाश बाबू को लाना मेरा जिम्मा। चलो ना बाबू, चलो ना, तुम्हें मेरी कसम। एक बात बोलूं? भगवान कसम, तुम्हारी इस कसम में तो हमारी छुट्टी कर दी। चला। अच्छा, ये बताओ
भैया और भाभी कैसे हैं? माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है चाचा। माँ ने आज खीर बनाई थी, हम तुम्हारे लिए ले आए। खाओ ना चाचा, खाओ ना। तुम खा। कैसी है? जैसे हमेशा होती है, बहुत मजेदार। सारी दुनिया में भाभी जैसी खीर कोई नहीं बना सकता। तो फिर तुम क्यों नहीं घर आके रखते अपने भाभी के पास? आऊंगा, एक दिन जरूर आऊंगा शारदा। तो चलो ना चाचा। गोपी, मैं अभी वहां नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। रोना चाचा नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना खिलौना। रोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना सलोना। रोना नहीं, सोते नहीं। चाचा, तुम्हारा खाना कौन बनाता है? खाना लो, खाना बनाने वाले भी आ गए। इसके होते हुए मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होती। चंदा, ये मेरे भाई के बच्चे। हमारे चाचा का ख्याल रखना। बहुत देर हो रही है, भाभी इंतजार कर रही होगी। अब तुम लोग जाओ। अच्छा चाचा। क्या बाबू, लड़ाई झगड़े बड़ों के होते हैं और रोना पड़ता है छोटों को। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आप जानते हैं कि मैं भी म्युनिसिपैलिटी का मेंबर हूं और सारी जिंदगी मैंने सारे शहर की सेवा की है। तो अब शहर वालों की ये मर्जी है कि मेरा एक बुत संगमरमर का बनवाकर शहर में किसी अच्छी जगह पर लगवा दिया जाए। लग जाएगा, लग जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना और है। बोलो बोलो। उसका उद्घाटन आप ही के हाथों से हो। हो जाएगा, तुम्हारा उद्घाटन हमारे हाथों से ही होगा। दुनिया कहाँ थी और गिरकर कहाँ आ गई है? उस देश का क्या होगा जिस देश में इस जैसे चूहे भी अपना बुत बनवाने लगे? नारायण नारायण। M.A.T. मैट, मैट माने चटाई। R.A.T. रैट, रैट माने चूहा। B.A.T. बैट, बैट माने चमगादड़। C.A.T. कैट, कैट माने बिल्ली। आ गए आप। H.A.T. अरे बाबा, ये झगड़ा किसने हो रहा? बस्ती में एक ही नर है बाबू साहब। जरा सी देर के लिए पानी आता है, इसलिए लोग लड़ते हैं मरते हैं एक एक बूंद के खाते। लेकिन यहाँ लड़ने मरने से क्या फायदा? जाइए म्युनिसिपल ऑफिस में जाकर अर्जी दीजिए। छोड़ो बाबू, अब वहाँ हम गरीबों का अर्जी कौन सुनता है? जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं? नहीं, नहीं। बोल, तेरी हड्डी फसली तोड़ दूंगा कमजात। शर्म नहीं आती औरत हाथ उठाते हुए? मेरी बीबी हो के मेरी बात नहीं मानती? बीवी से इस तरीके से बात करते हैं? तुम ही फैसला करो बाबू साहब। ये कहता है रामदास को ओढ़ दो, मैंने कहा नहीं। पिछली बार भी हमने रामदास को ही ओढ़ दिया था। उसने कहा था तुम्हारी बस्ती में बत्तियां लगवा देगा, नल लगवा देगा, मगर हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, मगर अपने झोपड़े की जगह शानदार बंगला बनवा लिया। अरे नल लगाए चाहे ना लगाए, 5 रुपया तो देता है। 5 रुपये? हाँ बाबू, मुखिया हमें 5 रुपया देता है और कहता है उस डिब्बे में वोट डालो, हम डाल देते हैं। मुखिया आपको 5 रुपए देता और कहता है उस डब्बे में वोट डालो और आप डाल देते हैं? जी, यही तो बुरा करते हैं। 5 रुपए के लिए इतना बड़ा हक अपना बेच देते हैं। 5 रुपए में कितने दिन रोटी खा सकते हैं? पूरे 3 दिन। और उसके बाद? इस बात का जवाब है किसी के पास? 3 दिन के आराम के लिए 3 साल तक आप लोग अपनी गर्दन उनके हाथ में दे देते हैं।
आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। आपको पता नहीं है कागज के टुकड़े को जिसे आप वोट कहते हैं आप उससे क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो इस शहर की म्युनिसिपैलिटी को बदल सकते हैं, इस देश की गवर्नमेंट को बदल सकते हैं और उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने वादे पूरे करें और आपकी मांगे पूरी करें। फिर तुम ही बताओ बाबू, हम लोग क्या करें? आप एक समझदार आदमी चुनिए, उसे मेंबर बनाइए और इसके बाद देखिए क्या होता है। आकाश बाबू, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर तुम क्यों नहीं खड़े होते हमारी तरफ से? मैं? हाँ। मेंबर? हाँ बाबू, हम सब लोग तुम्हें वोट डालेंगे। हाँ हाँ, हाँ मेंबर हाँ, तो क्या आप चेयरमैन बन सकते हैं? हाँ, हाँ, आकाश वो कीड़ा, अरे उसकी क्या मजाला हमारे सामने, वो सिर्फ नारे लगा सकता है, हमारी तरह वोटों के लिए लाखों रुपया नहीं फेंक सकता। हम उसे यूं मसल के रख देंगे, हम उसके पोस्टर फाड़ लेंगे। बाबा, आकाश बाबू हमारे आदमी हैं और तुम हमारे भगवान, वोट देना हमारा काम है और जिताना तुम्हारा। इस छोटे से आदमी की एक छोटी सी प्रार्थना है। वो तुम्हारे बुत के? जी नहीं, बुत की नहीं, कुर्सी की। कुर्सी क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि सरकार तो सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी बनाती है, लेकिन उस कुर्सी पर बिठाना तो आपका ही काम है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह पिछले साल आपने लाला राम प्रसाद जी को चेयरमैन की कुर्सी पर बिठा दिया था, इस साल मुझे बिठा दीजिए, मेरे सर पर बड़ा कर्जा हो गया है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं धर्मदास जी से पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे दो जवान बेटियों की शादी करनी है, इसलिए इस बार चेयरमैन मुझे बनना होगा। नहीं, इस साल मेरी बारी है। सवाल बारी का नहीं, सवाल ये है कि तुम जैसा दाल चावल बेचने वाला चेयरमैन कैसे बन सकता है और तुम्हारे जैसा गारा चूना लगाने वाला चेयरमैन बन सकता है? चेयरमैन मैं ही बनूंगा। मैं बनूंगा, 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 मैं बनूंगा। ये मछली बाजार है क्या? मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा ओहदा इतना सस्ता हो सकता है, इतना घटिया हो सकता है। अगर लोग अपने कर्जे उतारने के लिए या अपनी बेटियों की शादी करने के लिए चेयरमैन बनने शुरू हो गए तो इस शहर का क्या होगा, जनता का क्या होगा? नारायण नारायण, ये सोचकर मैंने फैसला कर लिया है जी कि इस बार ये तकलीफ मुझे ही उठानी पड़ेगी, मुझे ही चेयरमैन बनना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात। पब्लिक ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो मेंबर चुने हैं उनमें से चेयरमैन के लिए दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, श्री धर्मदास और श्री आकाश चंद। श्री धर्मदास को धर्मदास जी की। अभी नहीं, अभी नहीं। श्री धर्मदास को 11 वोट मिले हैं, श्री आकाश चंद्र को 13 वोट।
हो गया धर्मदास जी, हम सोचते थे कि हम शहर के नेता हैं और लोग हमारे पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था कि लोग हमारे पीछे नहीं चल रहे हैं बल्कि हमारा पीछा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते, 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 नमस्ते। आपको पता नहीं मैंने कितनी प्रार्थना की है आपकी इलेक्शन के लिए, कितनी प्रार्थना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आइंदा अर्जियों पे वजन नहीं रखा जाएगा। नहीं तो आपका वजन इस कुर्सी पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा, समझे ना? जी जी समझ गए। लग रहा, लग रहा, लग रहा। मेरी कुर्सी जी, कुछ कागज है आपकी मंजूरी के लिए, पहले इस चेक पर दस्तखत कर दीजिए। सेठ सत्यनारायण ठेकेदार जी, हाँ, इन्होंने नेताजी रोड बनाया है। मैं अभी अभी वहां से होके आ रहा हूँ, कल बारिश के चंद छींटे गिरने से वहां सड़क नहीं रही, गड़े गड़े हैं। आपने नोटिस भेजी? नोटिस? चेक नहीं जी, नहीं। ये क्या है चेयरमैन साहब? तेल और चावल, जो सेवाराम राशन की दुकान से धड़ाधड़ बेच रहा है। चावल में आधे कंकड़ है और तेल में पूरी मिलावट है। हेल्थ इंस्पेक्टर से कहो कि फौरन एक्शन ले। जी एक मिनट, म्युनिसिपल डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब को भी एक नोटिस भेजो। जी हाँ जी, हम लोग मरीज का भेष बदल कर वहाँ गए थे, मगर जाकर मालूम हुआ कि कोई जरूरी दवा वहाँ मिलती ही नहीं है और वही दवाएं पिछले दरवाजे से बाहर जाती हैं और खुले आम बाजार में बिकती है। समझ गया जी। हाँ एक बात और, एक बात, सेठ धर्मदास जी को जानते हैं आप? सेठ धर्मदास? उन्हें कौन नहीं जानता। उन्हें भी एक नोटिस दे। उन्हें भी एक नोटिस? ये इश्तेहार देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है कि जनता हाउसिंग स्कीम के लिए जमीन जो है वो म्युनिसिपैलिटी दे रही है। आप फौरन एक इश्तेहार दीजिए कि ये गलत है। लेकिन आपको तो मालूम ही है
धर्मदास जी कितने बड़े आदमी हैं? कानून से बड़े नहीं है, जनता से बड़े नहीं है। एक बात याद रखिए सुप्रिंटेंडेंट साहब, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। आप अपने घर की, अपने दिमाग की खिड़कियां बंद कर सकते हैं, लेकिन इंकलाब की आंधी को नहीं रोक सकते। अब आप जा सकते हैं। नमस्ते जनरल साहब। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठे बैठे। हम आपसे बात करना चाहते थे अकेले में। लोक राज में कोई बात अकेले में नहीं होती, जो कुछ होता है खुलेआम होता है। बोलिए क्या बात है? जी आपसे क्या छिपाना, आप तो जानते ही हैं म्युनिसिपैलिटी ने मटन मार्केट के लिए टेंडर मांगे। मटन मार्केट? लेकिन पंडित जी आप तो शाकाहारी हैं। तुम चुप रहो जी। मैं कह रहा था कि मटन मार्केट का ठेका मुझे ही मिलना चाहिए। अच्छा, एक मदद आपको मेरी भी करना होगी। वो क्या? म्युनिसिपैलिटी में एक इंजीनियर की जगह खाली हुई है, वो नौकरी आप मेरे भतीजे को दिला दीजिए। आपके उस भतीजे ने इंजीनियरिंग तो पास की होगी। नहीं तो वो काम कैसे करेगा? आप भी गलत करते हैं, ऐसी नौकरियों में काम कौन करता है। बहुत खूब। और आपको क्या चाहिए साहब? कि चेयरमैन साहब तो समझदार आदमी है, मेरे लिए खुद ही कुछ सोच लेंगे। मुझे तो ना अपने लिए ठेका चाहिए और ना भतीजे के लिए नौकरी। मुझे 1,000-1,500 रुपए महीने की जरूरत है, जिसका इंतजाम चेयरमैन साहब के इशारे से हो सकता है। लेकिन मैं वो इशारा नहीं करूंगा। आपको इस बात की फिक्र नहीं कि आपकी सड़कें कितनी टूटी फूटी, आपकी बस्ती में कितनी गंदगी है, आपकी गली में कितना अंधेरा है। आपको फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि आपकी मुट्ठी कैसे गर्म हो सकती। अगर आप जैसे लोग, आप जैसे मेंबर हमारी म्युनिसिपैलिटी में हो तो हमारे शहर का क्या होगा, हमारी बेचारी जनता का क्या होगा? जनता का होगा बाद में, पहले बताइए हमारे उस रुपए का क्या होगा जो हमने मेंबर होने के लिए खर्च किया है। हम मेंबर ना होते तो तुम चेयरमैन कैसे बनते? मुझे चेयरमैन आप लोगों ने नहीं बनाया, शहर की जनता ने बनाया, और मैं जनता के गले काट कर आप लोगों के घर नहीं भरूंगा। तो ये तुम्हारा आखिरी जवाब है? आखिरी जवाब भी और आखिरी फैसला भी। वाह 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 वाह, हमारी बिल्ली और हम ही से मियाओ। गेट आउट। तुम भी एक बात याद रखना आकाश, अगर हम तुमको इस कुर्सी में बिठा सकते हैं तो इस कुर्सी से उठा भी सकते हैं। गेट आउट। ठीक है, चलिए। नमस्ते चेयरमैन साहब। नमस्ते धर्मदास जी। कहिए कैसे तकलीफ किया आने की? बस ये समझ लीजिए कि एक हारा हुआ सिपाही जीते हुए जर्नैल के पास बधाई देने आया है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमें आपकी बधाई नहीं आपका आशीर्वाद चाहिए। तशरीफ रखिए। क्या देख रहे हैं? देख ये रहा हूँ कि आप शहर के इतने बड़े हाकिम हैं, लोगों का इतना काम करते हैं, मगर खुद इस गंदी सी बस्ती और जटिल झोपड़ी में रह रहे हैं। बहुत दुख होता है मुझे ये देखकर। झोपड़े की बात छोड़िए, आप ये बताइए कौन से काम से आए आप? शहर के कई इज्जतदार लोगों के साथ साथ मुझे भी नोटिस मिला है, मैं ये पूछने आया हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है। ये झूठा इश्तेहार देख रहे हैं आप? गरीब आदमियों की आंखों में धूल झोंकना ये कहाँ का इंसाफ है? आप गुस्सा थूकी है, मुझसे तो आप सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात कीजिए। ये क्या, तुम मुझे खरीदने आए हो? मुझे रिश्वत देना चाहते हो? ये रिश्वत नहीं, प्रेम की एक मामूली सी भेंट है। भेंट नहीं, ये जहर है मेरे लिए, उठाओ इसे। जी जी जी, ये जहर नहीं, लक्ष्मी है। दुनिया का कौन सा सर है जो इसके कदमों में नहीं झुकता? मेरा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तुम जा सकते हो। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। मैं तुम लोगों की तरह बेईमान ठेकेदार या सेठ नहीं, लोक सेवक हूं। लोक सेवक का अंत क्या होता है ये मुझसे पूछो। जब सेवा खत्म हो जाती है ना, तो लोग उसे निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, इस तरह जैसे कि दूध में से मक्खी। बरखुरदार उस वक्त सिर्फ रुपया ही काम आता है, और ये कोई 2-4 रुपए नहीं है, पूरे 10,000 रुपए हैं। घर आई हुई देवी को ठुकराओ नहीं। ये रुपया मेरे लिए देवी नहीं, वेश्या है, और इस वेश्या की पूजा तुम कर सकते हो, मैं नहीं। ना समझ हो, बिल्कुल ना समझ हो। जोश बहुत है, नीति बिल्कुल नहीं है। देखो मैं तुमसे उम्र में भी बड़ा हूँ और अकल में भी,
मुझसे सीखो कि राजनीति क्या होती है। वोट लेने के लिए अमीरों से ये कहो कि हम तुम्हें गरीबों से बचाएंगे और गरीबों से ये कहो कि हम तुम्हें अमीरों से बचाएंगे। वोट मिल जाने के बाद दोनों को भूल जाओ। अगर ये राजनीति है तो मुझे उससे भी इतनी नफरत है जितनी की तुम्हारी रिश्वत से। रिश्वत के दम से ही सारी दुनिया चलती है बरखुरदार। अगर भगवान भी धरती पर उतर आए और इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए तो वो भी वोट लेने के लिए पहले रिश्वत देगा बाद में लेगा। जानते हो जब पहली बार बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी मुट्ठी क्यों बंद होती है? इसलिए कि उसने भी रिश्वत ली होती है पिछले जन्म में। झूठ। उसकी मुट्ठी इसलिए बंद होती है ताकि वो दुनिया में अन्याय और पाप से लड़ सके। लेकिन तुम जैसे पापी उसकी मुट्ठी खोल देते हो और एक सिपाही को भिखारी बना देते हो। ये लो अपना रुपया। काम काम काम, सब देखो काम। एक जाता है तो एक आता है, 24 घंटे मेला लगा हुआ है। इंसान कभी आराम भी तो करता है। इस देश में यही तो खराबी है चंदा, लोग आराम ज्यादा करते हैं काम कम। इसलिए हमारा इतना बड़ा देश इतना भूखा इतना कंगाल हो गया। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था आज दाने दाने के लिए दूसरों का मोहताज है। तुम्हारी बड़ी बड़ी बात मेरे समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, पहले हंस लिया करते थे, दो एक मीठे बोल बोल दिया करते थे, लेकिन अभी तो आंख उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं। इतनी परवाह भी नहीं कि मैं हूँ या नहीं। अरे ये क्या, तुम रोने लगी चंदा? रो नहीं तो और क्या करूँ। मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम्हारे पास खाने का भी वक्त नहीं। अगर मुझे पहले मालूम होता इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा तो मैं तुम्हें वोट कभी नहीं देती। अच्छा बाबा तुम रख दो मैं खा लूं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें खुद खिलाऊंगी खाना। इसे बंद करो और मुंह खोलो। अजीब जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती है। वो तुम्हारा काम है तो ये मेरा काम है। अगर तुम्हारी तंदुरुस्ती को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे भैया भाभी को क्या जवाब दूंगी? चलो मुंह खोलो। तुम सिर्फ उनकी खातिर मेरी इतनी खातिर करती हो? सिर्फ उनकी खातिर नहीं, इसकी खातिर। मुझे नहीं मालूम, चलो आराम से खाना खा लो। अरे खा लूंगा ना। हाँ मैं खा लूंगा। मैं खा लूंगा। नहीं, अपने हाथ से खा लूंगा। कल्याणदास जी पधारे हैं। आइए आइए पंडित जी। क्यों आपकी गली में बत्तियां नहीं लगी? अजी हमारी गली में तो उजियारी हो गई, अब मैं आपके घर में उजियारा करने आया हूँ। हमारे घर में तो काफी रोशनी है पंडित जी। काम की बात कीजिए। बात ये है कि मैं आपके लिए विवाह का रिश्ता लेकर आया हूँ। वो सेठ श्यामलाल जी है ना, वो अपनी सुपुत्री का विवाह करना चाहते हैं आपके साथ। सेठ श्यामलाल जी तो बहुत पैसे वाले फिर तो। अजी हाँ जी हाँ, 1,00,000 रुपया दहेज में देने को तैयार है। ठीक है ना? और ऐसी भी क्या बात है, 1,50,000 करवा दूंगा। जी लड़की देखने में कैसी है? लड़की तो ऐसी है जैसी कि सोने की मूर्ति, देखने वाले की आंखें चकाचौंध हो जाएं। ये सामने बैठी उससे ज्यादा अच्छी। अच्छी ये भी कोई लड़की है? लड़की तो वो है, कहिए बात पक्की कर दूं। रोहित जी आपने मुझे बड़ी समस्या में डाल दिया। समस्या कैसी? रोहित जी कुछ दिन पहले मैंने अपना रिश्ता कहीं और पक्का कर लिया। वो लड़की बड़ी खूबसूरत है। अजी तो फिर क्या हुआ, रिश्ता तोड़ने में देर लगती है क्या? रोहित जी अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया तो हमारी टांगे टूटने के बड़े चांस है। ये बात है तो भगवान आपकी टांगों को सुरक्षित रखे, मैं चलता हूँ। परंतु आपके घर में लक्ष्मी आ रही है, इसके लिए बधाई हो। कौन सी लड़की से रिश्ता पक्का किया है तुमने? कौन सी लड़की से रिश्ता पक्का किया है? है एक लड़की है। क्या बहुत सुंदर है? अरे इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरती। पढ़ी लिखी है? चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। धनवान है?
अरे गुनों की खान है, बस ये समझ लो कि सर से पांव तक लक्ष्मी का रूप है। ऐसे कि आदमी लाखों रुपए उसके पांव पे वार दे। पिचंदर क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो ऐसे हुआ है जैसे कि कोरा कागज। मरो या जियो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। क्या मेरा खाना कौन बनाएगा? मुझे क्या मालूम। आज तुम्हें क्या हो गया चंदा? मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। मैंने तुम्हें भगवान की तरह पूजा और तुमने मुझे यह इनाम दिया। ठीक है ठीक है, दुनिया में ऐसा ही होता है। तुम इतने बड़े आदमी और मैं एक मामूली नारियल बेचने वाली लड़की, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मैंने कैसा बर्ताव किया? मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने ना जाने क्यों सोच लिया कि मैं भी तुम्हारी कुछ लगती हूँ। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करोगे और मुझसे पूछोगे भी नहीं? मेरे मन में कितने चाह थे कि मैं तुम्हारी दुल्हन खुद चुनूं। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया चंदा? चंदा मर गई, तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि दूर से अपनी दुल्हन को दिखा देते। वो धनवान है, गुणों की खान है। सर से पांव तक देवी। हाँ हाँ, इस लायक भी नहीं ना मैं कि मैं उसके दर्शन कर सकूं। अरे तुम्हें दुल्हन देखना चाहती हूँ। हाँ देख सकती हो। कब? अभी। क्या वो यहाँ नजदीक ही रहती है? हाँ हमारी पड़ोसन है, आओ दिखाता हूँ। ठहरो, आंखें बंद करो। आंखें? आगे बोलो। देखो मैं, यही तो है मेरी दुल्हन, मेरी सरस्वती, मेरी लक्ष्मी, मेरी जिंदगी। गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के, चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के, चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। मुखड़ा न देखो, न देखो मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। ऐसे दिया पे छाई हो जैसे घटाएं सावन में। रात और दिन तुम्हारे बिन मन में और कौन है? अब जिद छोड़ो न, आगे आगे दौड़ो, दिल ना मेरा तोड़ो। घुंघटा गिरा के, मुखड़ा छुपा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के, चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा
लागे चैन चुरा के निदिया उड़ा के जइयो ना गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना चैन मिला के चैन चुरा के निदिया उड़ा के जइयो ना गजरा ओ गजरा ओ गजरा ओ गजरा ओ गजरा। आपने मुझे याद किया? हाँ दीनानाथ, ये अपनी जनता हाउसिंग स्कीम में अभी तक कितना रुपया इकट्ठा हुआ है? जी 20 लाख। 20 लाख? अरे भैया, इतना रुपया घर में रखना अच्छा नहीं, ये जनता की अमानत है, बैंक में ज्यादा महफूज रहेगा। और फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और तो और तुम्हारे अपने भाई की जुबान बेलगाम घोड़े की तरह चलने लगी है। आकाश ने यूं ही कुछ कह दिया होगा, वो बच्चा है। बच्चा ही सही, मगर वो लोगों का लीडर है। आजकल वो झूठ भी कहे तो लोग सच मान लेते हैं। तुम अपना हिसाब तैयार रखो और कल जाकर बैंक में रुपया जमा करवा दो। ये लो चाबियां। बहुत अच्छा। धर्मदास जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा रुपया घर से निकाल कर बैंक में डाल रहे हैं? और क्या करें, अब तो छोटे से छोटा आदमी भी हम पे उंगली उठाने लग गया है। जानते हो क्यों? जो इलेक्शन हमें जीतनी चाहिए थी वो हम हार गए हैं। जिस कुर्सी पर हमें बैठना चाहिए था वहाँ आकाश बैठा है। जो ताकत हमारे हाथ में होनी चाहिए थी वो उसके हाथ में है। अब अगर हमें जिंदा रहना है तो एक ही तरीका है, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, जितनी जल्दी हो, हमें अपनी हार को जीत में बदलना पड़ेगा। लेकिन कैसे? अरे बड़ी सीधी सी बात है, म्युनिसिपैलिटी में और दूसरे मेंबर भी तो है तुम लोगों की तरह। जी है ना, ठेकेदार दुकानदार। आकाश ने उनको भी अपना दुश्मन बना लिया है। तुम जाओ और आकाश को दुश्मनों को अपना दोस्त बनाओ। क्या बात है, क्या बात है, जब देखो भाई जो मैंने कहा वो काम करो। मालिक, आप बुरा ना माने तो कुछ अर्ज करूं। बोलो। आपने दीनानाथ को 20 लाख रुपए बैंक ले जाने के लिए दिए हैं। साहब का भाई साहब ही होता है, आप उसके हाथ में अपनी जान दे रहे हैं। अरे बालक, तुझे कब अकल आएगी? देख जरा, प्राइवेट मामला है, दरवाजा बंद कर क्या बताता हूँ उसका। मालिक, मालिक, दरवाजा बंद हो गया, अब बताइए। तो सुन, कल जब सांप का भाई दीननाथ रुपया लेकर बैंक जाएगा तो रास्ते में ही हमारे आदमी उसको घेर लेंगे। रुपया बैंक में पहुंचने की बजाय धर्मदास की तिजोरी में वापस पहुंच जाएगा और फिर गबन के इल्जाम में दीननाथ को पकड़वा देंगे। जनता का रुपया जाएगा जनता के पास। वाह वाह, कमाल का नुस्खा निकाला है। हार भी ले गया रुपए के साथ। अरे बालक, ओ बालक, मालक, मालक। अरे दीनानाथ सारा रुपया चोरी करके ले गया। अरे उसे पकड़ो, जाके पकड़ो, पकड़ो। शंकर, ब्रावो। चंद मेंबरों ने ये सुझाव पेश किया है कि चेयरमैन मिस्टर आकाश चंद्र को उनकी जगह से हटा देना चाहिए। इससे पहले कि वोट लिए जाए, कोई मेंबर कुछ कहना चाहता हो तो कह सकता है। चेयरमैन मिस्टर आकाश ने अपने फायदे के लिए शहर के लोगों का बहुत नुकसान किया है। ये खुली बात है कि इन्होंने रिश्वत ली है, रुपया खाया है। ये झूठ है, इसे कोई नहीं मान सकता। मोहतरमा तारा देवी ठीक कह रही हैं। जनाब आकाश लोगों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, उनकी जेबें नहीं काट सकते। आप नहीं जानते मौलाना, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी है मटन मार्केट के ठेके के लिए, और मुझसे म्युनिसिपल स्कूल की इमारत के लिए। अरे पापियो, जरा तो भगवान से डरो, ऐसा काला झूठ बोलते हुए तुम्हारी जबानें क्यों नहीं जल जाती? शंभो, ये मेंबर है म्युनिसिपैलिटी के और इनको बोलने की पूरी आजादी है। झूठ बोलने की भी? मगर तुम चुपचाप खड़े रहो, तो बाहर चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसी सड़न, ऐसी घुटन और ऐसी बेईमानी तो उस ऑफिस में भी नहीं थी जहां से मैंने इस्तीफा दिया था। और किसी को कुछ कहना है? धर्मदास जी, आप कुछ नहीं कहेंगे? अरे भाई, मुझे क्यों घसीटते हो इन कांटों में? मैं तो पाप के बारे में बात करना भी पाप समझता हूँ।
सिर्फ हाथ जोड़कर अपील ही कर सकता हूँ कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा फसाद ना उठाया जाए। आदमी कमजोरियों का पुतला है, कभी ना कभी भूल कर ही बैठता है। आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। तो साफ बात यह है कि आकाश जिसे लोगों ने चेयरमैन बनाया है वो इस कुर्सी के काबिल नहीं है। इसने खुद मुझसे रिश्वत मांगी है 10,000। रिश्वत मैंने मांगी थी या आप देने आए थे? इसका तो सिर्फ एक ही गवाह है, वो है भगवान, और उसे मैं इस सभा में ला नहीं सकता। ये झूठ है। देवी, सारा शहर जानता है कि धर्मदास कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ धर्मदास जी? पूछिए। जनता हाउसिंग स्कीम के आप चेयरमैन हैं? हाँ, लेकिन भाई जनता हाउसिंग स्कीम का उस कीचड़ से क्या संबंध जो यहाँ उछल रहा है? बहुत गहरा संबंध है। चेयरमैन मिस्टर आकाश का भाई उसी जनता हाउसिंग स्कीम का 20,00,000 रुपया लेकर फरार हो गया। ये सच है कि नहीं? हाँ है तो सच, लेकिन 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 कुछ नहीं धर्मदास जी, ये दोनों भाई एक से, इनका खून एक है, इनका चलन एक है। एक भाई चोर है तो दूसरा लुटेरा। आप मेरे भाई पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ये बात आपने बाहर कही होती तो मैं आपके खिलाफ हर्जाने का मुकदमा कर देता। मुकदमा आप अब भी कर लीजिएगा आकाश जी, लेकिन इससे पहले मैं आप सब लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखता हूँ कि मौजूदा चेयरमैन साहब पर हमारा कोई विश्वास नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी इनको कुर्सी से नीचे उतार दिया जाए। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। और मैं भी। अब एक ही रास्ता है कि वोट लिए जाए। दो मेंबर प्रस्ताव के हक में है, अपने हाथ उठाए। हक में 15, खिलाफ 9। हो गया फैसला? हो। आपने खुद ही मुझे इस कुर्सी पर बिठा और खुद ही उठा दिया। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, इस दुनिया में ना तो पहली बार हुआ है ना आखिरी बार, झूठ की फौजों के सामने निहत की सच्चाई हार गई। आप इस फैसले से मुझे नहीं निकाल रहे यहां से, बल्कि अपने दिलों से धर्म को निकाल रहे हैं, न्याय को निकाल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ इन बच्चों को लेकर? अपने देश सेवक आकाश के पास। ये घर धर्मदास जी की मिल्कियत है, उनका हुक्म है कि इस घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं। खबरदार, किसी न किसी चीज को याद लगाए थे। अरे हाँ भैया, कहाँ है? वो कल से गए हैं, अभी तक नहीं आए। जो 20,00,000 रुपया लेकर भागता है इतनी जल्दी नहीं लौटता। कमीने, मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा। नहीं नहीं आकाश, तुम समांचों से मेरे पीछे हुए तकड़े नहीं संवार सकते। हमें क्या मालूम था एक दिन हमारे माथे पे ऐसा कलंक लगेगा। अभी ये कलंक धुल जाएगा भाभी। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ धर्मदास का किया था, मुझे उससे हिसाब चुकाना ही होगा। आकाश, आकाश, तुम भी हमें छोड़ के जा रहे हो? मुझे जाने दो भाभी, मुझे सबसे पहले जाकर भैया को ढूंढना है। तुम्हें मालूम नहीं धर्मदास कुछ भी कर सकता है। शारदा सुनो, तुम भाभी और गोपी को लेकर चंदा के यहाँ चले जाओ। सेवा कर सकता हूँ? मैं ये पूछने आया हूँ कि मेरे भैया कहाँ है, तुमने कहाँ छुपा रखा उन्हें? मेरा बदला मेरे बेकसूर भाई उनके मासूम बच्चों से क्यों ले रहे? मर्द हो तो मैदान में आओ, मुझसे लड़ो। तुझसे? चींटी फिर हाथी से लड़ने आई? देखो
भाई, लड़ाई में ये तो होता ही है, एक जीता है दूसरा हारता है, हार वो तो इस तरह हंसना नहीं गया। धर्मदास, ये जीत तुमने खरीदी अपने पैसे के बल से, दौलत की ताकत से। दुनिया में हर चीज खरीदी जाती है बरखुरदार, ये उदय, ये रुतबे, ये कुर्सियाँ, ये इज्जत, ये शान। लेकिन तुम्हारी इस खरीदी हुई इज्जत में शहर की गंदी गलियों की सड़ी हुई बास है। तुम्हारी बातों में कितनी जलन है, कितना धुआं है और कितना गुस्सा है। मैं इस गुस्से में अकेला नहीं धर्मदास, ये दुआ गवाह है इस बात का कि देश के लाखों करोड़ों नौजवान किस तरह अंदर से जल रहे हैं, फूक रहे हैं। लेकिन वो करेंगे भी तो क्या करेंगे, दिन को जानवरों की तरह माल ढोएंगे या भीख मांगेंगे और रात को फुटपालियों पर सो जाएंगे। डरो उस दिन से तुम लोग, जिस दिन फुटपालियों पे सोने वाले लोग जाग उठेंगे। अरे मैं तैयार हूँ उस दिन के लिए भी, मेरे पास तोपे भी हैं उनसे लड़ने के लिए और बारूद भी है, बारूद तिजोरियों में बंधा है और तोपे ये रही है। कल इन तोपों के मुंह तुम्हारी तरफ भी फिर सकते हैं धर्मदास, इनमें से कौन है जो कि खरीदा नहीं जा सकता। खरीदने के लिए दौलत चाहिए दौलत, और धर्मदास के पास दौलत के ढेर लगे हुए हैं। मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे साथ मेरे भैया भी जाएंगे। अब उसको कहीं और ढूंढो जाकर, थाने में, हवालात में, जेल में। जा जा। क्या धर्म के पुत्र कहता था कि मैं चावल में कंकड़ मिलाता हूँ? तूने मेरा नेताजी रोड का चेक नहीं पास किया है, अभी दूध का चेक है। मुझे बोलता था ब्लैक में दवाइयाँ बेचता हूँ। अरे हम तो तुझे भी बेच दें ब्लैक मार्केट में। धर्म, न्याय, सच्चाई। धर्म, न्याय और सच्चाई की लाश को उठाकर बाहर फेंक दो। भाभी, इसे अपना ही घर समझो। भैया, इनका ख्याल रखना, मैं जाकर आकाश बाबू को ढूंढती हूँ। अच्छा। तुमने ये देखा माँ, जो जुल्म का हाथ रोकते हैं उन पर कैसा जुल्म होता है। मैं पूछती हूँ, आकाश बाबू को कौन से कसूर की सजा मिली है? उनका कसूर यही है ना कि वो बेकसूरों के लिए लड़े। चंदा, ये पत्थर क्या जवाब देगा तुम्हारे सवालों का? इन पत्थरों की दीवारों में रह रहकर भगवान पत्थर हो क्या? आकाश बाबू, आप यहाँ? धर्मदास जी को मालूम हो गया तो मुझ गरीब के पेट पे लात मार देंगे। चलो चंदा चले, ये मंदिर तो क्या सारी दुनिया बांट लिए धर्म के दासों में। इस हालत में कहाँ जाओगे आकाश बाबू? कहीं भी। चंदा, आज तक मैंने बुराई का मुकाबला अच्छाई से किया, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि बुराई को मिटाने के लिए हमें भी बुराई का रूप धारण करना होगा। धोखे का जवाब धोखे से देना होगा, जुल्म का जवाब जुल्म से। फिकर मत करो आकाश, हम सब समझ गया, हम तुम्हारा साथ है। गो अहेड। ओके बॉस। अच्छा हुआ कोई बोली देने को आए नहीं। आते कैसे, रातों रात तो हमने सारे शहर के पोस्टर फड़वा दिए। जीते रहो,
हाँ, 10 लाख से ऊपर की तो जमीन ही होगी और बंगला अलग, और हमें 1000 साहिबान, नीलामी शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस शानदार जायदाद की सबसे पहली बोली सरकार की है। 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 70,000, 70,000, 70,000। बोलिए बोलिए, 70,000 जैक। 1 लाख, 1 लाख एक, 2 लाख, 2 लाख एक, 3 लाख, 3 लाख एक, 4 लाख, 4 लाख एक, 5 लाख, 10 लाख एक, 10 लाख और एक एक, 10 लाख और एक दो, 10 लाख और एक तीन। अरे बाबा। Yes, boss. Money. Boss. ये करोड़पति कहाँ से आ गए? जमीन से उगे या आसमान से तपके? ए ड्राइवर, हम खुद ड्राइवर बोलता। मैं आपका नाम पूछ रहा था। हमारा नाम अली बाबा। अली बाबा जानता? 40 चोर का यार अली बाबा। अली बाबा जी, आपके साहब कौन है? कौन है? इंटरनेशनल फिगर हमारा साहब, बहुत मशहूर आदमी। हमारा साहब का नाम स्पुतनिक जुद। अली बाबा साहब, आपका साहब बिजनेस क्या करता है? वो नहीं बताएगा, टॉप सीक्रेट। कुछ तो इशारा कीजिए। हम इशारा करेगा, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। कान इधर लाओ, जी बोलेगा इधर लाओ। हमारा बॉस सोने का स्मगलिंग करता। ओ, सोने का स्मगलिंग? यस। मगर ये तो बड़ा खतरनाक काम है। हमारा साहब के लिए कोई काम खतरनाक नहीं। सारा दुनिया का फौज एक पॉकेट में, सारा दुनिया का पुलिस दूसरे पॉकेट में। मगर आपका साहब सारी दुनिया छोड़कर इस शहर में क्या लेने आया है? हर शहर के अंदर हमारा साहब का एक एजेंट। ये शहर में भी एक एजेंट बनाने को मानता तो आप सीक्रेट बोलना नहीं। खुदा हाफिज। तुम धर्मदास का पीछा छोड़ो सेवा राम, और पीछा करो उस करोड़पति का। ठेकेदार सत्यनारायण, छोड़ो ठेकेदारी और सोने की एजेंसी लो एजेंसी। तुम गोली मारो सेवाराम और सत्यनारायण को, और झपटा उस सोने की चिड़िया पर जैसे बात झपटता। धर्मदास जी। धर्मदास जी। ये क्या हुआ, आज बड़े सज धज के आए हो, धोती पजामा छोड़कर ये सूट बूट? धोती तो आज आपकी भी उतर गई है धर्मदास जी, लेकिन वाह वाह क्या बात है, कैसे जच रहे हैं आप इस सूट में। मगर यहाँ कैसे आए हो, उस करोड़पति से मिलने के लिए? हमने सोचा कि आप क्यों तकलीफ करें, हम पहले मिलकर मुलाकात का वक्त तय कर ले, फिर आपको खबर कर दे। क्यों देवराम जी, बिल्कुल यही तो सोचा था हमने। सोचा तो मैंने भी यही था कि पहले मैं मिल लूं, फिर आप दोनों को मिलवाऊंगा। आदमी तो कोई भी दिखाई नहीं देता। सोने का खतरा का घंटी, जो भी सोने को हाथ लगाएगा फौरन पकड़ा जाएगा। अली बाबा साहब, बैठो 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 बैठो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज। क्या मैं था, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर चाय, नीचे लस्सी, दोनों है। अली बाबा जी। हाँ जी। कोई तीसरी चीज नहीं मिल सकती? वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। आओ आओ। शराब हाउस है, क्या पिएगा, मीठा या खारा? रत्नारायण जी, आज कड़वा घूटी पी लेते हैं। खारा पियो, खारा पियो। विस्की, इलेक्ट्रिक विस्की। बटन दबा था, बत्ती चलता। आदमी ये विस्की पीता, दिमाग चलता। वेरी ओल्ड।
5000 साल पुराना। 5000 साल पुराना बिस्किट? यस। दुर्योधन पीता था क्या? टॉप सीक्रेट, बोलना नहीं। जी। गुड गुड गुड। बहुत ज़्यादा। गेट आउट, गेट आउट। Who are these beggars? बॉस तुम को पूछता। Who are you beggars? तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसको साथ मत लाया करो। मैंने तो 1000 बार डांटा, लेकिन ये पीछा छोड़े तो। Hey boss, आपका सामने ये लोग भिखारी से भी बदतर, कीड़ा मकोड़ा। पर boss, ये लोग ये शहर का बड़ा लोग माना जाता। अरे बाबा, पहले मुंह खोलो, कुछ बोलो। बॉस के पास टाइम नहीं, आगे बढ़ो, बोलो। साहब बहादुर, अपने मुंह से क्या कहूँ, इस शहर का सबसे बड़ा आदमी मैं हूँ, चेयरमैन हूँ साहब। हुजूर, मैं हूँ इस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सरकार, लेकिन शहर का सबसे बड़ा दुकानदार मैं हूँ। बॉस, टेलीफोन। ओह यस। हेलो, अ ट्रंक कॉल फ्रॉम मद्रास। स्पीकिंग स्पीकिंग, व्हाट चटियार, व्हाट पट लक्षम, स्पीकिंग इंग्लिश इंग्लिश। ओ गॉड, 10 lakhs worth gold, व्हाट, 15 lakhs, 15 lakhs, yes yes yes, hello Hong Kong, hold on chatyar, hold on, hello Hong Kong, Saimala Saimala King se, kare kare tama, 2 crores, Iwadi Kuldi Kuldi, yeah, hello Netherlands, ship is loaded, 3 crores worth of gold, I see, send it immediately, bye bye Saimala, bye bye. से आता है, 2 crores वर्थ ऑफ सोना हांगकॉन्ग से आता है, तुम उसका डिलीवरी लो। उसमें से 2 crores वर्थ ऑफ सोना तुम कांगो को भेजो, बाकी का सोना गोदाम में रखो, अभी हम जाता है। अलीबाबा अलीबाबा, सत्यनारायण जी साहब कह के तो आप बेइज्जती कर रहे हैं। अरे ये तो अवतार है, अवतार। अवतार नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। मेरा भी प्रभु। प्रभु ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अली बाबा अली बाबा, व्हाट इज दिस प्रभु प्रभु एंड प्रभु, भगवान का डुप्लीकेट प्रभु। आई लाइक इट। Oh, I must say it is time for me to kiss my beautiful wife. Good morning. You can follow. You go. You can come. Boston, si bakhosh. Come on, chance. Wo dekho man, hamara baat. What happened? अली बाबा जी, साहब मिलाए से साथ में कुतिया मिलाए हैं। Are you drunk? अरे तुम्हारे को दारू चढ़ गया? अरे गधा, वो कुतिया नहीं, कांगो का गधी। कांगो की गधी ऐसी होती है? माता जी, प्रणाम करो। प्रणाम करो। Good morning, sweetheart. Good morning, my sweet little darling. Come, my darling. Meet my wife, Madame Popololita. These are my friends. How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Namaste. हमारा साहब का ये पहला शादी नहीं, चौथा शादी। अली बाबा जी। हाँ जी। पहली 3 कहाँ है? अरे हमारा साहब मामूली आदमी नहीं, इंटरनेशनल फिगर।
पहला शादी ईरान के अंदर शहजादी गुलबकावली के साथ बनाया। 1961 में शादी, 62 में तलाक, 162। और दूसरा शादी? दूसरा शादी हिंदुस्तान जन्नत मुकाम के अंदर राजकुमारी माया नगरी के साथ बनाया। 63 में शादी, 64 में तलाक। और तीसरी शादी? तीसरा शादी इटली में उधर मैडम चीना लोलो ब्रेगिना के साथ बनाया। What a beauty! 65 में शादी और 66 में तलाक। पकड़ा पकड़ा पकड़ा। और ये शादी कब हुई? ये शादी 70 में बनाया और तलाक 71 में। Oh no no my friend, ये तलाक नहीं हो सकता है। तलाक क्या होता है? Divorce my darling. Oh of course not. Oh मैडम कबाब। Yes मैडम कबाब का यूनान से लेकर इंग्लिस्तान तक पानी का जहाज चलता। जो जहाज पानी के ऊपर चलता वो 1 करोड़, जो पानी के अंदर डूब जाता वो 2 करोड़। वो कैसे? ओ समझा, इंश्योरेंस। करेक्ट। पकड़ा पकड़ा पकड़ा। अभी तक कितना जहाज डूब चुका है? 200। 200 मतलब ये हुआ 400 करोड़ रुपए। करेक्ट। ये भी पकड़ा, ये भी पकड़ा। हमारा मैथन का बाप बहुत अमीर आदमी, मैथन को दाउरी के अंदर 100 करोड़ रुपया दाउरी के अंदर दिया। हमारा मैदान का बाप सारा दुनिया को चक्का का अंदर डाल कर रखे है। और हमारा मैदान दुनिया का चक्कर लगाता 1 साल का उम्र से। और इसका वास्ते हमारा मैदान दुनिया का 7 जबान जानता है। पीछू हट कर बात करो, पानी में गिरेगा। क्या बोलता है बोलो? अली बाबा जी, हम ये बोलता है कि तब तो मैडम हिंदी भी जानती होंगी ना। कंट्रोल करो बाबा, पानी में गिरेगा। तुमको हिंदी नहीं मालूम? मैडम बोलता काम काम, मतलब थोड़ा थोड़ा। सी यू आफ्टर पेरिस। पेरिस? यस मैडम, पेरिस के अंदर पिक्चर देखने को जाता। उधर स्वीडन का एक ब्यूटीफुल पिक्चर चलता, अनसेंसर्ड अनकट, मैडम को बहुत पसंद। ओह डार्लिंग, चलो हम तुमको प्लेन तक पहुंचा के आएगा। मैं आए? मैडम पेरिस में सिर्फ पिक्चर देखने के लिए जाता है। यस, शहर का अपना प्लेन, सुपर सोनिक, आवाज को रफ्तार से तेज। मैडम प्लेन में बैठता, जैम जट पेरिस पहुंचता, उधर मैटिनी शो देखता, वापस प्लेन में बैठता, जैम जट इधर आता, रात का खाना खाता, भोजन करता। डार्लिंग, तुम पेरिस जाता हमारा एक छोटा काम करना, हमारा शूट्स वॉशिंग के लिए लेके जाना। अरे बाबा, तुम इन लोगों को हमारा घर का चक्कर दिखाओ। यस बॉस। आइए आइए, अशरफ भाई, आइए 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 आइए। सीक्रेट रूम। इतना सोना। टॉप सीक्रेट, बोलना नहीं, मुंह खोलना नहीं। फिक्र मत कीजिए सर, यहाँ हर काम प्लान के मुताबिक चलता है। आई नो, तुम हो तो हमको क्या फिक्र है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग हमारा पूरा बंगला देखा? सब कुछ देख लिया। ये लोग कौन है? नया नौकर रखा है? नो, दे आर माय फ्रेंड। My friends, meet my big boss. ये हमारा बड़ा बॉस। और हमारा बॉस बहुत ताकतवर, जो चाहे करना सकता है, not only in India, all over the world. ओ, सारी दुनिया में। All right, best of luck. Carry on. Carry on. टोपी भी सोने का है। Yes, pure gold. Pure gold. Come along, my boys, follow me. Let's have some refreshments. Hurry up, hurry up. Come, come, my boys. Sit down. अरे बाबा, तुम लोग इतना हैरान से क्या देखता है? हमारा बॉस का हर चीज सोने का, हमारा बॉस का लिबास सोने का, बॉस का पाव का जूता सोने का, घर के अंदर खाना पकाने का चूल्हा भी सोने का, खाना खाने का प्लेट भी सोने का। खाने में भी सोना मिला है क्या?
और नारी सोना ना है, सोने का कुछ था कुछ था ही पलक शिगाओ। Come on, boy. Please. Come. प्रभु, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें अपने साथ सोने के धंधे में शामिल कर लें। तुम इस काले धंधे को जानता है? एक भूल और गोली तुम्हारे सीना के पार। प्रभु, काले धंधे से तो बहुत पुराना रिश्ता है अपना। मैं तो पैदा ही ब्लैक मार्केट में हुआ था। अच्छा। कितना सोना बनता है? 1 लाख का। What? 1 लाख रुपए के तुम्हारा बॉस डिनर खाता है। अली बाबा, ये तुम नंगा भिखमंगा लोगों को किधर से लाया? इनको बोलो 20 लाख से कम धंधा नहीं होगा, अदरवाइज गेट आउट। बात तुम बॉस का मूड खराब कर दिया। गेट आउट। आई एम सॉरी बॉस। आकाश, ये तुमने क्या किया? इतनी बेइज्जती के बाद ये लोग दोबारा कैसे आएंगे वापस? अरे जरूर वापस आएंगे, मैं इनकी ज्यादा अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये पैसों के लिए जूता चाट भी सकते हैं, जूता खा भी सकते हैं। मगर वो राशन वाला सोने का चमचा ले गया, उसका क्या? इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो एक चमचा इन तीनों चमचों को वापस लेकर आएगा। खाली सोना है 100 टच का। सच? जी, लेकिन ये इधर का नहीं, बाहर का माल है। अरे भाई, तभी तो खालिस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोना भी झूठा नहीं और सोने वाला भी झूठा नहीं। वो तो ठीक है धर्मदास जी। लेकिन वो आदमी 20 लाख से नीचे धंधा करना ही नहीं चाहता। अब आप ही बताइए कि मेरे जैसा गरीब आदमी इतना रुपया लाए कहां से? अरे तुम लाने की बात कर रहे हो, मैं तो 20 लाख का सोच भी नहीं सकता। ये तो सिर्फ धर्मदास जी इतना बड़ा सौदा कर सकते हैं। अरे भाई, मैं भी कहाँ कर सकता हूँ, और अगर करूँगा भी तो अकेले नहीं, तुम दोनों मेरे हिस्सेदार हो। अगर मैं मरूंगा भी तो तुम दोनों को साथ लेकर ही मरूंगा। वाह वाह, क्या बात। अच्छा, नमस्ते। राम राम। पानी और रुपया कहाँ छुपाया है पहले ये बता, तब पानी मिलेगा। नहीं बताऊंगा। अगर तू नहीं बताएगा तो भारत ये तुम्हें नहीं बताएगा, मुझे बताएगा। मैं जानता हूं इसको अच्छी तरह। बताओ मेरा माल कहाँ छुपा रखा है? तुम्हारा माल कौन सा? सब पाप और धोखे की कमाई है। दीनानाथ, ये मारपीट मुझे भी पसंद नहीं है। हर गरीब आदमी को अमीर बनने की ख्वाहिश होती है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। जो आज अमीर हैं, कल सब गरीब थे, भिखारी थे। देखो मेरे भाई, तुम ऐसे करो, वो रुपए तुम अपने पास रख लो, पूरे 20 लाख हैं और अमीर बन जाओ, लेकिन वो हार मुझे वापस कर दो। तुम नहीं जानते वो हार मेरे लिए कितना कीमती है, वो मेरी माँ का हार है। जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जिसका माल है उसे ही मिलेगा। रुपया लौटाऊंगा उन्हें जिन्होंने अपने बच्चों के मुंह की रोटी छीनी तुम्हारे घर खरीदने के लिए, और हार जाएगा मंदिर में वापस। अधर्मी, मंदिर में जिस मां की मूर्ति के सामने माथा रगड़ता था, नाक से लकीरें खींचता था, उस मां को भी नहीं छोड़ा तूने। बालक जी, दीनानाथ के बच्चों को यहां लाओ, देखता हूं इसको अपने बच्चों की जान प्यारी है या नहीं। नमस्ते सरकार। नमस्कार। ओ यू टू इस पर पांव न रखो साहब, ये धन है। धन को हमेशा इसी तरह रखना चाहिए, पैर के नीचे। आओ जी। कितना है? पूरे 20 लाख है साहब, 10 लाख मेरे और 10 लाख मेरे। ऐसे सरकार, मैंने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, जेवर बेच दिया आपकी खातिर। हमारे खातिर नहीं, सोना के वास्ते। और मैंने भी अपना सब कुछ बेच दिया साहब, यहाँ तक कि पत्नी का मंगलसूत्र भी।
वेरी गुड वाह वाह क्या बात है मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच डाला और आप वेरी गुड कह रहे हैं साहब यस मैन यस तो मंगलसूत्र का इतना लिहाज करिए कि सोने की एजेंसी मुझे दे दीजिए सोने की एजेंसी आप लोगों को इम्पॉसिबल ना इम्पॉसिबल क्यों सरकार तुम्हें तो एजेंसी के लायक कोई दिखाई नहीं देता हमें आदमी चाहिए बहुत ही चालाक बहुत ही फरेबी बहुत ही मक्कार यू अंडरस्टैंड सरकार मक्कार तो मैं अव्वल नंबर का हूँ ठेकेदारी में मैंने इतना रुपया यूं ही नहीं कमाया अभी पिछले साल मैंने एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई इधर मुझे चेक मिला और उधर बिल्डिंग गिर गई और 25 बच्चे उसके नीचे दबकर मर गए इतना नहीं सरकार धर्मदास के साथ मिलकर हमने कई जाने ली हैं कितने खून किए हैं आपने तो अखबार में पढ़ा होगा कि अनाथ आश्रम का सूर्य प्रकाश दिल के दौरे से मरा अच्छी दिल का दौरा तो डॉक्टर के झूठे सर्टिफिकेट में था दरअसल उसकी जान मैंने सेवाराम जी ने और धर्मदास जी ने मिलकर ली है साहब धर्मदास जी और ठेकेदार साहब ने सिर्फ हाथ ही लगाया था असल में जिस झटके से सूरज प्रकाश की जान गई वो झटका मेरा था साहब समझ गया भाई तो साहब अब तो आपको विश्वास हो गया कि हम आपकी एजेंसी ले भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं जरूर चला सकते हैं ऐसा धंधा हम पहले भी कर चुके हैं ये तो सिर्फ सोने की एजेंसी है सरकार हम तो नकली नोटों की एजेंसी कर चुके हैं इज इट आपके आशीर्वाद से एक जमाना था कि इस शहर में इस प्रांत में हमारे नोट ज्यादा चलते थे सरकार के कम वेरी गुड एजेंसी के बारे में हम सोचेगा सरकार सोना सोना का पिछला स्टॉक खत्म हो गया है नया स्टॉक आता है एक जहाज नीदरलैंड से चला है दूसरा हांगकांग से हम इंतजार करता है तुम भी इंतजार करो लेकिन सरकार पैसा पहले सोना सोने का बिजनेस ऐसे ही होता है पहला पैसा बाद में सोना मंजूर है तो मंजूर नहीं तो उठाओ ये कचरा एंड आउट साहब तो बात बात में गेट आउट बोलता है साहब हमें गेट आउट ना बोलिए पैसा यही रहने दीजिए सोने का स्टॉक आएगा हम मिल जाएगा आई लाइक इट बॉस एक और जेंटलमैन आए हैं मिलने के वास्ते सर मैम अच्छा सरकार अब हमें इजाजत दीजिए नो मैन नो आज हमारे इधर पार्टी है तुम दोनों आएगा ले जाए वाह वाह क्या बात है ये रहे 20 लाख आप जल्दी से सोना दे दीजिए सोना का पिछला स्टॉक खत्म हो गया है नया डिलीवरी आने वाला है एक जहाज नीदरलैंड से चला है दूसरा हांगकांग से हम इंतजार करता है तुम भी इंतजार करो अच्छी बात है प्रभु जो आज्ञा मगर एक विनती है देखिए एक बात मैंने आपकी मान ली एक आप मेरी मान लीजिए मुझे अपना एजेंट बना लीजिए एजेंट इम्पॉसिबल क्यों तुम तो शक्ल से बहुत धर्मात्मा मालूम होता प्रभु ये तो सिर्फ ऊपर का गिलाफ है आप नहीं जानते कि मैं अंदर क्या हूँ अंदर बाहर हमको कुछ नहीं मालूम एजेंट चाहिए जो बहुत ही मक्कार हो दगेबाज हो और कातिल हो सोने के धंधे में एजेंट ऐसा होना चाहिए जो ना अपनी जान की परवाह करे ना दूसरे की तुम तो मैं ना पांव से चूटी मार सकता ना हाथ से मक्खी डू यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड प्रभु आपको ज्ञान नहीं है मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं मैं कितनी ही जाने ले चुका हूँ इन्हीं हाथों से रह गई बात मक्कारी की तो प्रभु आप चिराग लेकर भी ढूंढे ना तो मेरे जैसा मक्कार आपको नहीं मिलेगा नकली नोट छापना कितने खतरे का काम है लेकिन मैंने बरसों किया फूलों के चंदे में खुद ही इकट्ठे करता हूँ और खुद ही खा जाता हूँ अच्छा I like you. Keep it up. आपने तो सुना होगा कि यहीं देवी माता के मंदिर में देवी माता के गले में 2000 साल पुराना करोड़ रुपए का हार पड़ा हुआ है मगर प्रभु लोग तो अंधे हैं लेकिन मैं आपसे नहीं छुपाता वो हार नकली है असली कहाँ है वो आपका दास ही जानता है जी वेरी गुड वो हार हम एक बार देखेगा तुम अभी जाओ अभी लेकर आओ अभी नहीं ला सकता प्रभु मुझे थोड़ा वक्त दीजिए वो हार मेरे नमक हराम नौकर दीनानाथ ने कहीं छुपा रखा है ओ दीनानाथ
तो जाओ उसकी गोली से उड़ा दो। गोली से तो पहले भी उड़ा सकता था, अगर वो चला गया तो साथ में हार भी चला जाएगा। जब तक मुझे वो ये नहीं बताता कि हार कहाँ है, मुझे उसे जिंदा ही रखना पड़ेगा। आई सी अच्छा तुम जाओ, कल आना, हम एजेंसी का बात करेगा। मगर प्रभु जरा ये नोट तो गिन लीजिए। तुम क्या बिजनेस करेगा, तुमसे एक बैग नहीं खुलता है। घबराहट में आ गया हूँ, खुल गया खुल गया। ये नोट जाली है, तुम अपना फैक्ट्री में बनाया। नारायण नारायण, ये बिल्कुल असली है प्रभु। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मगर कारोबार में धोखा नहीं दे सकता। इन बिजनेस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओ यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस गॉड, I like it. अब मुझे परमिशन है? नो मैन नो, आज हमारे इधर बहुत बड़ा पार्टी है, तुम आए कहाँ? ना। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। Thank you.
सुनिए जी, उन पे भी जादू कभी हो जाता है। आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। मैं तो कहती हूँ वापस अपने झोपड़े में चले चलो। यहाँ तो ऐसा लगता है किसी ने कैद खाने में बंद कर रखा है। इस कैद खाने में कुछ दिन और रहना पड़ेगा। अभी तो मैंने अपने भैया को भी ढूंढना है। ये काम तो तुम मुझ पर छोड़ दो। कैसे? इसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरकीब सोच रखी है। क्या? Oh, I see, I like it. I like it too. I like it too, 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 too. अरे तुम्हें क्या बताऊं? मैं खुद 20 लाख रुपया डुबो कर आ रहा हूँ जी। हाँ हाँ हाँ, और ये सब हम लोगों की बेवकूफी है। अगर हम आपस में पहले की तरह मशवरा करके आगे बढ़ते तो आज ये हालत ना होती। हमें क्षमा कर दीजिए धर्मदास जी। धर्मदास जी, हमसे बड़ी भूल हुई है, बस किसी तरह बचा लीजिए अब। तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा कि ये स्मगलर कितने पानी में है। आकाश, बकरा आ रहा है, तू उसे पानी पिला, मैं छुरी तेज करता हूं। करेक्ट। एक दूंगी झापट। इंग्लिश यूज़ कांडर, तुम हमको तलाक देना मांगता मिंटाल वास। ये तलाक आदमी का पहला हक है, औरत जूती का मापिक है। जब तक पहना तब तक पहना, जब दिल भर गया निकाल के फेंक दिया। थ्रो इट अवे। यस, यू गेट अवे। हिंदुस्तानी है मगर अंदर से बिल्कुल हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानियों की तरह अपनी बीवी को मारता है। इंग्लिशानी हिंदुस्तानी सब मर्द एक जैसा होता है। मगर मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ, आजमा कर देख लो। आओ मेरे साथ। थैंक यू मैडम। हम भी आता। ये कौन है? ये हमारा बचपन का सर्वेंट है। हम जिधर जिधर जाता ये उधर उधर आता। ये तुमको सलाम करता है। सलाम सलाम। ओ
मैडम पॉपुलॉलिटा, तुम अभी तक रो रही हो। हाँ शर्मदार, हम रोए गए तो पीछू क्या करेगा, तो हमारा पास रहेगा तो हमारा तेल का थोड़ा शांत है मिलेगा। मेरी तो जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, तुम कोई मामूली औरत नहीं हो। कितने करोड़ रुपया है तुम्हारे बाप के पास? हम फादर का इतना करोड़ रुपया लेके क्या करेगा, हमारा तेल जलता है, हमारे अंदर आग लगा है। तुम्हारे अंदर की आग बुझाने के लिए यहाँ बहुत सामान है। सामान क्या होता है? क्यों? हम पीता है तो हमको खुद मालूम नहीं होता हम क्या करता है। वेरी गुड, करो ना करो ना, जो जी में आए करो, यहाँ सब बंदोबस्त है। तुम बोलता है तो हम पी लेगा। थैंक यू। ओनली विस्की। ओनली विस्की, वेरी गुड। थैंक यू, पी जाओ। पायलट तुम पी लो। Oh no no no! Only whiskey. Pilo pilo. अब तुम पियो। Thank you. You're stupid. No! I'm stupid. No 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 no. You are very sweet, beautiful. Oh, thank you. दरवाजे पर कोई खटखट कर रहा है। Knocking, knocking. Oh, knocking. Mafia. Okay. तुम इस वक्त? हमारा वो सोने का जहाज आ गया। साहब ने क्या बोला? अरे साहब मर गया, जहाज डूब गया। Get on, idiot. तुम हमको झूठ बोला। तुम बोला ये पीने के बाद हम ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये पीने के बाद हम सर से टोसक बर्निंग। बर्निंग? डोंट वरी डार्लिंग, हम अभी तुमको ठीक कर देंगे। दुनिया दिखाऊंगी मैं, साथ
for Lolita? Yes, darling. You're very sweet. Thank you. तुम हमसे शादी करेगी? हम तुम्हारे से शादी बनाएगा, लेकिन तुम्हारे पास जितना पैसा था तुम सब सोना खरीदने के वास्ते दे दिया। अभी तुम्हारे पास क्या है, तुम हमको क्या देगा? देखो, शाहजहां मुमताज से लाभ करता था, उसका वास्ते इतना बड़ा ताजमहल बनाया। अरे डार्लिंग, उसने ताजमहल बनवाया था उसके मरने के बाद। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा हार दूंगा जो आज तक ना किसी रानी, ना बेगम, ना मलिका ने पहना हो। 1 करोड़ रुपए का हार तुम्हारे गले में डाल दूंगा। सुनो, पहले तुम शादी के लिए यहाँ करो। डार्लिंग, शादी का बिजनेस भी सोने का बिजनेस जैसा है। पहले तुम खा दो, पीछे हम शादी बनाएगा। हाँ किधर है? वो आए है मेरे कमीने नौकर दीनानाथ के पास। तो जाओ पीछे, तुम्हारे नौकर किसे शादी बनाओ। जी 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 जी, मेरा सारा नशा ही उतार दिया है तुमने। मैं आप भी हार लेकर आता हूँ डार्लिंग, भले मुझे दीनानाथ को जान से ना मारना पड़े, हार लेकर आता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान भी ले लो, नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। इस चाब को मोटी खाल की बजाय नाजुक चमड़ी ज्यादा पसंद है। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी जिद कहाँ तक तुम्हारा साथ देती है। चंदा? हाँ मैं चंदा बोल रही हूँ। तुम्हारे भैया की और उनके बच्चों की जान खतरे में है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। मैं अभी आ। आकाश आ रहा है, तुम उसे तहखाने का रास्ता बता, मैं चाबी लेकर आती हूँ। आकाश आ रहा है, एक एक को देख लेंगे। अरे क्या हुआ? खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे बोलना क्या हुआ? मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ चंदा। मुझे माफ करना आकाश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। लेकिन प्यार भी तो बहुत किया भैया, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। भैया आकाश, हमें सबसे पहले जनता की अमानत पुलिस के पास पहुँचानी चाहिए। भैया वो रुपया और देवी का हार आपके पास है? हाँ आकाश। कहाँ? मैंने शहर के बाहर खंडरों में दबाया हुआ है। अरे वाह, थैंक यू दीनानाथ। आकाश, शहर के बाहर खंडरों में दबा रखी है। जल्दी चलिए। चलो, शहर के बाहर खंडरों में। खंडरों में मालक, मालक, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए।
गाड़ी स्टार्ट की है। क्या टांगा टांगा, कोई टांगा नहीं है, अपनी टांगों से जाओ। दिमाग खराब करते हैं, मालूम नहीं कितना माल हर गया इधर। नारायण जी, सत्यनारायण जी, हमें शिवराम जी, शिवराम जी, मैं आपके साथ चलता Thank you.
पालक का बच्चा तू? खत्म हुआ अब तुम्हारे जुल्म का दौर। हथकड़ी पहनाइए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर आकाश, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, पकड़ लो इसे। देख लिया आकाश, धर्म, न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। श्री धर्मदास जी, ऐसे मुजरिम को पकड़वा कर आपने बड़े धर्म का काम किया है, समाज आपका बरसों एहसान मानेगी। आपको जरा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा अपना बयान लिखवाने के लिए, आप सबको। हाँ हाँ, चलिए, बड़ी खुशी से। और
इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत बड़ा चोर है। चोर नहीं, डाकू है डाकू। तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? जी हाँ, मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, और ये सब हमारे समाज के माथे के तिलक हैं, हमारे शहर की शान है, हमारी सोसाइटी के लीडर है। और ये है साहब दूसरा चोर, आकाश का साथी, डाकुओं की गिरोह का सरदार। ये आपने सच कहा, आपको अभी मालूम होगा ये कितना बड़ा डाकू है और आकाश कितना बड़ा चोर है। ऑपरेटर स्टार्ट। सरकार, मक्कार तो मैं अव्वल नंबर का हूँ, ठेकेदारी मैंने इतना पैसा यूं ही नहीं कमाया। अभी पिछले साल मैंने एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई, इधर मुझे चेक मिला और उधर बिल्डिंग गिर गई और 25 बच्चे उसके नीचे दबकर मर गए। मैं चावल में कंकर मिलाकर बेचता हूँ और दूध के पाउडर में चूना। देश के सैकड़ों बच्चे दूध पीकर मौत के घाट उतर गए और आपके सेवक पर कोई उंगली तक नहीं उठा सका। इतना ही नहीं सरकार, धर्मदास के साथ मिलकर हमने कई जाने ली हैं, कितने खून किए हैं। देखा, जन सेवक बनकर ये लोग कैसे जनता के खून से होली खेलते हैं। अब तुम्हें मालूम हुआ चोर कौन है, डाकू कौन है, खूनी कौन है। लेकिन तुम कौन होते हो इस तरह करके बात करने वाले? ये मैं बताता हूँ तुम्हें, ये दिल्ली से आए हैं CBI के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। CBI किस चिड़िया का नाम है? बस ये समझ लो कि ये साक्षात यमराज है हम सब के लिए, पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं। हो गए धर्मदास, तुम बड़े भगत बनते थे, बड़े देश सेवक, बड़े महात्मा धर्मात्मा, तुम दुश्मन हो समाज के, गद्दार हो देश के। तुम्हारी जिंदगी एक गंदी गाली है, अपने खानदान के लिए जिसमें तुम पैदा हुए हो, अपने देश के लिए जिसने तुम्हें जन्म दिया है। I say you must all be wiped out from the country. Mr. Akash, तुमने जो हमारी मदद की है उसके लिए मेरे सारा मेहमान तुम्हारा एहसान मंद है। It's your victory. Congratulations. ये जीत मेरी नहीं, ये न्याय धर्म और सच्चाई की जीत है। इंस्पेक्टर, इन्हें हाथ खड़े लगाओ। साहब, किस किस को हथकड़े लगाओगे, किस किस को कैद करोगे? तुम्हारे जेल खाने भर जाएंगे, शहर खाली हो जाएंगे। इस देश में कौन ऐसा है जिसके माथे पे कलंक का टीका नहीं, कौन ऐसा है जिसके हाथ गरीबों के खून से नहीं रंगे? हैं धर्मदास, हैं। आकाश जैसे नौजवान आज भी मौजूद है यहाँ, और जब तक हर शहर में, हर गाँव में एक भी ऐसा नौजवान है, हमारा देश मर नहीं सकता, बिक नहीं सकता। ले जाओ इन्हें। चलो। ओ, नारायण 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 नारायण।